Hello friends, you are heartiest welcome in this part of series of revision sessions on direct tax laws and international taxation for your upcoming attempt. इस एक्सक्लूसिव सीरीज में फ्रेंड्स आपने देखा हमने अभी तक कई जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको थोरोली रिवाइज किया, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, फॉरेन टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन रिलीफ के साथ में गार को भी हमने रिवाइज किया और लास्ट रिवीजन सेशन में हम बात करके आए हैं फ्रेंड्स ट्रस्ट टैक्सेशन की। और हमारे इस पार्ट का जो एजेंडा है उसमें हम आज मैट, एएमटी, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड डीम्ड इनकम और उसके टैक्सेशन को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक से, जिस पर कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिए जाने की संभावना जनरली बनी रहती है, दैट इज मैट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैट के प्रोविजंस हैं रिकॉल कीजिए, सेक्शन 115 जेबी में आपको गिवन है। हाँ, मैट के प्रोविजंस को लेकर पहले कुछ बेसिक सी जो चीजें हैं वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि ये जो मैट के प्रोविजंस सेक्शन 115 जेबी के, इन्होंने एक्ट के बाकी सभी प्रोविजंस को ओवररूल कर रखा है और ये कोई भेदभाव नहीं करते। ये तो ऑल कंपनीज पर एप्लीकेबल बनाए गए हैं, चाहे वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, या फिर स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कोई कंपनी है लाइक बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा। तो ये ऑल कंपनीज पर एप्लीकेबल है। और आप देखिए ये मिनिमम, मतलब एट अ मिनिमम आपको ये टैक्स तो देना ही है। और ये टैक्स कैसा है? तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्स है। मींस अगर आपका नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स अगर ज्यादा बन रहा हो तो फिर वही भरना। ये तो कब देने की जरूरत पड़ेगी? जब आपका नॉर्मल टैक्स पेबल कोई नहीं होगा या कम होगा। मींस वास्तव में मैट के जो प्रोविजंस हैं वो अपनी फॉर्म में कब आएंगे? तो हम इसके लिए चेक करेंगे क्या कि उनका नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, मींस हमारी एसएससी कंपनी का नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो टैक्स पेबल है वो क्या बन रहा है। अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो हम यहाँ पर सरचार्ज भी ऐड कर रहे होंगे और सेस तो एवरग्रीन है, वो तो ऐड होगा ही होगा। फिर जो ये रिजल्ट आएगा इसको हम बोल सकते हैं क्या, पेबल सम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। एंड अब हम चेक करेंगे उनकी मैट लायबिलिटी। मैट जिसका बेस है माय डियर फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ टैक्स जो मैट का रेट है वो है 15% और बुक प्रॉफिट को डीम्ड टोटल इनकम का स्टेटस दिया गया है। तो अगर ये बुक प्रॉफिट दैट इज डीम्ड टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज भी पिक्चर में आएगा और सेस तो फिर मैं कहूंगा एवरग्रीन है, वो तो हम यहाँ पर रखेंगे ही रखेंगे। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये कहलाएगा हमारी एसएससी कंपनी का पेबल सम अंडर मैट प्रोविजंस। अब हम चेक कर लेंगे अगर कंपनी का नॉर्मल प्रोविजंस में पेबल सम अगर उनकी मैट लायबिलिटी से कम है तो मैट मतलब एट मिनिमम आपको ये तो पे करना ही करना है। ये वो केस है जिसमें कि मैट के प्रोविजंस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे और जो कंपनी का आपने मैट प्रोविजंस में बुक प्रॉफिट पर ये सम निकाला वही कंपनी का फाइनल पेबल सम बन जाएगा। एंड नॉर्मली तो फ्रेंड्स मैट का जो रेट है वो आप देख रहे हैं 15% है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी तो रिकॉल करना है आपको कि जहां पर हमारी एसएससी कंपनी अगर आईएफएससी में लोकेटेड है एंड वो सोलली इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में डिराइव कर रही है तो फिर जो मैट का रेट है वो बजाय 15% के केवल 9% कहलाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो जो मैट के प्रोविजंस है वो ऑल कंपनीज पर एप्लीकेबल है, लेकिन फॉरेन कंपनी को लेकर कुछ एक्सेप्शंस भी रिकॉल काइंडली कीजिए। एक्चुअली मैट के ये जो प्रोविजंस है ये किसी ऐसी फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं बनाए गए हैं जो उस फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी की रेजिडेंट हो, जिसके साथ अगर इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है लेकिन वो फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट लाइक ब्रांच ऑफिस वगैरह होल्ड ना कर रही हो। तो नॉन पी वाली फॉरेन कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करती है जिसके साथ इंडिया का डीटीडब्ल्यू है वो नॉन पी वाली फॉरेन कंपनी को मैट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस पर मैट के प्रोविजंस अप्लाई ही नहीं होंगे। लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी उस फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी की रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ही नहीं, तो फिर उस केस में उस फॉरेन कंपनी के लिए अगर इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी से रिलेटेड किसी लॉ लाइक कंपनीज एक्ट वगैरह में अगर कोई रजिस्ट्रेशन लेना अगर रिक्वायर्ड नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जिससे कि उनके लिए इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर बने, तो उन्हें मैट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन पर मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब सपोज एग्जामिनर ने कोई सिचुएशन आपको इस तरह की बनाकर दे दी, किस तरह की, कि अरे एक यूके बेस्ड कंपनी है पीक्यूआर इनकॉर्पोरेशन और उनका इंडिया में पी नहीं है जबकि इंडिया का यूके के साथ में डीटीडब्ल्यू है, लेकिन उस कंपनी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उनके लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड बन रहा है, तो क्या इस कंपनी पर मैट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यू वाली कंट्री की अगर वो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है तो फिर उसका इंडिया में पी होना जरूरी है। जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो नॉन डीटीडब्ल्यू वाली कंट्री की अगर आप रेजिडेंट होंगे तब लगेगी। इस केस में अगर आपका इंडिया में पी नहीं है तो मतलब मैट के जो प्रोविजंस हैं वो इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स इस फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट? तो इस तरह से जो थिंग्स हैं उनको आपने यूज में लेने की जरूरत है। आई होप अब आप चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, राइट? तो डीटीडब्ल्यू वाली कंट्री की अगर आप रेजिडेंट हो तो आपका इंडिया में पी होना जरूरी है, और अगर नॉन डीटीडब्ल्यू वाली कंट्री की अगर आप रेजिडेंट हो तो आपका लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड होना जरूरी है, तो ही मैट के प्रोविजंस लगेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमारी इस 80 फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम में जो हम पीजीबीपी में प्रिज्यूम्पटिव टैक्सेशन फॉरेन कंपनीज या अदर नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो एप्लीकेबल बनाए गए हैं, कहां? सेक्शन 44B से लेकर BBB तक। अगर हमारी एसएससी फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम में अगर 44B टू BBB तक की कोई इनकम अगर केवल एग्जिस्ट कर रही है एंड वो अपनी उस इनकम को उन सेक्शन में जो गिवन प्रिज्यूम्पटिव रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर ऑफर कर रहे हैं तो उनके लिए मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एसएससी फॉरेन कंपनी सपोज शिपिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, वो इंडिया में अपना शिप लेकर आती है, उनकी इंडिया में केवल फेयर और फ्रेट की इनकम है, 44B के अकॉर्डिंगली वो 7.5% अपनी इनकम ऑफर कर रही है, तो उन पर मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोवाइडेड कि उनकी कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेन कंपनी के केस में लॉ मेकर्स ने कुछ जो एक्सक्लूजन्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए वो हमने यहाँ पर बस और डिस्कस कर लिए हैं। आइए, जैसा कि मैंने भी कहा था कि मैट का जो बेस है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, दैट इज बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आप रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले तो लॉ मेकर्स ने बुक प्रॉफिट का जो मीनिंग हमें दिया है 115JB की एक्सप्लेनेशन 1 में वो कैसा है, एग्जॉस्टिव नेचर का है, तो जो उन्होंने कह दिया है हम बस वही करेंगे, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई बट नहीं करेंगे, राइट? यहाँ बुक प्रॉफिट के लिए हम P&L में जो भी नेट प्रॉफिट हमें शो हो रहा होगा हम सबसे पहले वो प्रॉफिट की फिगर पिकअप करेंगे। लेकिन ये जो P&L है एक्चुअली अगर किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली हमारी एसएससी अगर कंपनी है जैसे बैंकिंग कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह, तो उन्होंने तो रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी एक्ट के अकॉर्डिंगली अपना P&L बनाया होगा। जैसे बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अपना P&L बनाया होगा, तो उसी P&L के प्रॉफिट को हम बेस बनाएंगे। कोई नॉर्मल कंपनी का केस है तो उन्होंने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली P&L बनाया होगा, तो उसी कंपनीज एक्ट के P&L का जो प्रॉफिट है वो हम पिकअप कर लेंगे एंड उस P&L में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग standards, methods and rates of depreciation वही सेम होने चाहिए जो AGM में प्लेस किए जाने वाले P&L के लिए अडॉप्ट किए गए हों। मतलब रफली स्पीकिंग AGM वाले P&L का जो नेट प्रॉफिट है वो पिकअप किया जाएगा। देन फ्रेंड्स अब हमें मेनली इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। सबसे पहले हमें फॉलोइंग आइटम्स को ऐड करना होगा। सर एडिशनल इंफॉर्मेशंस में गिवन हो तभी भी ऐड कर दें क्या? ना, ध्यान रखना ये केवल तभी आप ऐड करेंगे जब ये एग्जामिनर आपको सस्ती कंपनी के P&L में डेबिटेड शो करेंगे। अगर उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर ऐसी कोई चीज अगर दी है तो हम उसे कंसीडर यहां नहीं करेंगे। ओके, चलो क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले अगर इनकम टैक्स चाहे पेड पेबल या प्रोविजन किसी भी फॉर्म में गिवन हो, इवन इनकम टैक्स एक्ट में चार्ज किया गया इंटरेस्ट, सरचार्ज एंड सेस, हम यहाँ ऐड करेंगे। अब इनकम टैक्स ऐड करना है मतलब किसी अदर टैक्स का स्कोप खत्म, कोई भी अदर टैक्स लेवी वगैरह हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो इंटरेस्ट केवल और केवल इनकम टैक्स एक्ट ऐड किया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो किसी अदर एक्ट का जो इंटरेस्ट है वो हम हाथ नहीं लगाएंगे। और पेनल्टी तो हम किसी भी एक्ट की E1 इनकम टैक्स एक्ट की भी यहाँ ऐड नहीं करेंगे। और सर पेनल्टी तो नॉर्मल प्रोविजंस में डिसलाइबल होती है, पीजीबीपी में हमने देख रखा है वो नॉर्मल प्रोविजंस में होती है, और मैट के प्रोविजंस में नॉर्मल प्रोविजंस को पहले ही ओवररूल कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर हमें जो ऐड करने के लिए बोला गया हम वो ऐड करते चलेंगे। देन माय डियर फ्रेंड्स, डेफर्ड टैक्स या उसका प्रोविजन पीएनएल में डेबिटेड हमें शो किया गया है, देन वी विल ऐड इट। लेकिन अगर वो क्रेडिटेड हो तो फ्रेंड्स लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं, डेफर्ड टैक्स का जो इफेक्ट है आप रिवर्स करें। अगर डेफर्ड टैक्स पीएनएल में क्रेडिट होगा तो आप उसे यहां पर लेस कर देंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये रिड्यूस किए जाने वाले आइटम्स में आपको देखने को अभी आगे और मिलने वाला है। तो डेफर्ड टैक्स का जो भी इफेक्ट है दैट विल बी रिवर्स्ड। देन एग्जामिनर ने अगर सपोज डेबिट साइड में कोई डिविडेंड पेड प्रपोज्ड, चाहे वो इंटरिम फाइनल इक्विटी से रिलेटेड है, प्रेफरेंस से रिलेटेड है, किसी भी फॉर्म में अगर डिविडेंड अगर एग्जामिनर ने डेबिट साइड में दे दिया विल ऐड इट। देन अगर सपोज पीएनएल से किसी भी रिजर्व में अगर कोई अमाउंट कैरी किया जा रहा है, चाहे वो रिजर्व जनरल है, स्टैटरी है, बैंकिंग कंपनी है, तो आरबीआई की डायरेक्शन से बनाया है, यहां हम उसे ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अगर अनसर्टेन लायबिलिटीज के लिए कोई प्रोविजन है देन वी विल ऐड इट, जैसे प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी हो गया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑन एड हॉक बेसिस, मतलब कोई अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए जिसका इनकर होना ही सर्टेन नहीं है, कोई क्वांटिफिकेशन यहाँ उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या आपने आर्बिट्रेरी सेंस में एड हॉक बेसिस पर कोई भी फिगर उठाकर किसी भी तरह का प्रोविजन बना डाला, तो उस तरह के जो प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज है वो यहाँ ऐड किए जाएंगे। लेकिन आपको आइडिया लग रहा होगा बात चल रही है अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए बनाए गए प्रोविजन की, मतलब अगर असर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन है तो उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे अगर सपोज एक्चुअली से कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के प्रति अपनी ग्रेच्युटी की लायबिलिटी डिटरमाइन कराई, तो एक्चुअरियल वैल्यूएशन के बेस पर ग्रेच्युटी का बनाया गया प्रोविजन, या साइंटिफिक बेस या रैशनल बेसिस पर बनाया गया कोई प्रोविजन, ये प्रोविजन माय डियर फ्रेंड्स असर्टेन लायबिलिटी के प्रोविजन है, इनको हम टच नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मल प्रोविजंस में पीजीबीपी में सेक्शन 40 कैपिटल सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इन नो केस विल बी अलाउड, राइट। वहां एक अगर आपने एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पर भी प्रोविजन बनाया हो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी तो अलाउड नहीं होता, लेकिन मैट में केवल अनसर्टेन लायबिलिटी के प्रोविजन को डिसलायबल बनाया गया है। तो असर्टेन लायबिलिटी के प्रोविजन यहाँ अलायबल है, इसलिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन बेसिस विल बी अलाउड, उसको हम यहाँ टच नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक डिफरेंस है जो बस मुझे आपको हाईलाइट करना था। देन फ्रेंड्स आगे मूव कीजिए, ये तो लायबिलिटी के रिलेशन में बनाए गए प्रोविजन की बात हो रही थी, राइट ना। अगर सपोज एसएससी कंपनी ने अपनी एसेट की वैल्यू में डिमिनेशन के लिए दैट इज रिडक्शन के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया है तो वो भी यहां पर ऐड किया जाएगा। जैसे सपोज एसएससी कंपनी को अपने डेटर्स के पार्ट से जो रिकवरी है वो डाउटफुल है, तो उन्होंने कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, या सपोज एसएससी कंपनी ने अपने AS 13 AS 28 वगैरह के अकॉर्डिंगली कोई प्रोविजन अपने इन्वेस्टमेंट या एसेट्स के इंपेयरमेंट के लिए बनाया तो वो यहां पर ऐड किया जाएगा, लेकिन किया प्रोविजन ही जाएगा ऐड। मतलब अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर सीधा एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट दे दिया तो वो हम यहां पर ऐड नहीं करेंगे, राइट। देन फ्रेंड्स एसएससी सपोज होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने अपनी सब्सिडियरी कंपनी की लायबिलिटी अपनी सब्सिडियरी कंपनी के लॉस को पीएनएल में डेबिट कर दिया या उसके प्रोविजन को डेबिट कर दिया, सपोज सब्सिडियरी कंपनी के लॉस को या प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी के नाम से कोई डेबिटिंग हमारी एसएससी होल्डिंग कंपनी ने अपने पीएनएल में की, तो मतलब हमारी एसएससी होल्डिंग कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उस लॉस से अफेक्टेड है, वी विल रिवर्स इट। लॉ मेकर्स चाहते हैं इस सब्सिडियरी कंपनी के लॉस की वजह से होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट यहां पर अफेक्ट ना हो, आपने अगर डेबिट कर रखा है तो हम उसको यहां पर ऐड बैक करेंगे। देन फ्रेंड्स आगे के कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके लिए पहले मैं आपको रिडक्शन की लिस्ट में ले आया हूं। आपको बुक प्रॉफिट निकालने के लिए फॉलोइंग आइटम्स को लेस करना है, अगर ये पीएनएल में क्रेडिटेड हो तो अब एक्चुअली लॉ मेकर्स चाहते हैं क्या कि सेक्शन 10, 11 या 12 में कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है तो उस पर मैट ना लगे, तो उन्होंने रिडक्शन की लिस्ट में सेक्शन 10, 11 एंड 12 की एग्जेम्प्टेड इनकम को यहां से एक्सक्लूड करने के लिए परमिट कर दिया। आप देखिए यहां पर केवल सेक्शन 10, 11 एंड 12 की एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए रिवर्सल थीम है, मतलब अदरवाइज जो भी एग्जेम्प्टेड या डिडक्टेबल इनकम्स हैं लाइक 10AA की इनकम या चैप्टर 6A में जो भी डिडक्शन के लिए क्वालिफाइंग बिजनेस की इनकम वगैरह है वो मैट के लिए रिड्यूस नहीं की जाएंगी, मतलब वो तो हम कह सकते हैं कि मैट के लिए लायबल बनेंगी। तो केवल सेक्शन 10, 11 एंड 12 के एग्जेम्प्टेड इनकम्स को लॉ मेकर्स ने मैट के स्कोप से यहां बाहर रखा। अब अगर इनकम एग्जेम्प्टेड है और हमने उसे यहां पर आपको एक्सक्लूड करने के लिए परमिट कर दिया तो उस एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड अगर एक्सपेंस आपने पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं तो आपको उसका भी इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड, लॉ मेकर्स ने अगर हमारी एसएससी कंपनी किसी एओपी बीवाई की मेंबर है, उस एओपी बीवाई की इनकम में एज मेंबर उनका जो भी शेयर है, अगर एओपी बीवाई खुद अपनी इनकम पर एमएमआर या उससे भी हायर रेट पर टैक्स अगर पे कर देते हैं तो आपको पता है ना एओपी बीवाई में आप सेक्शन 86 देखते हैं जहां पर मेंबर शेयर मेंबर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है। लॉ मेकर्स उस पर मैट कंपनी के हैंड्स में नहीं लगने देना चाहते, इसलिए एओपी बीवाई की इनकम में वो मेंबर शेयर जो एसएससी कंपनी के लिए सेक्शन 86 में एग्जेम्प्ट हो जा रहा हो वो भी बुक प्रॉफिट से यहां बाहर कर दिया जाएगा और उस मेंबर शेयर को अर्न करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स अगर कोई खर्चे अगर एसएससी कंपनी ने किए हैं तो वो एक्सपेंस भी यहां पर रिवर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है कि भाई जब हमने इनकम को आउट करा दिया तो फिर हम एक्सपेंस का वर्डन कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, आपको वो भी रिवर्स करना ही पड़ेगा। देन मानते हैं फ्रेंड्स हम हमारी सस्ती कोई फॉरेन कंपनी है, सपोज डीटीडब्ल्यू वाली कंट्री की वो इंडिया में रेजिडेंट है, उनका इंडिया में पीई भी है, मतलब मैट के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी नॉर्मली बन रही है। ओके फिर भी लॉ मेकर्स ने उनको एक रिलैक्सेशन दिया क्या कि सुनिए अगर आपको सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर कोई कैपिटल गेन के नेचर की इनकम हो जाए, आपको इंटरेस्ट डिविडेंड की कोई इनकम हो जाए, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की कोई इनकम हो जाए और वो इनकम अगर आपकी अदरवाइज जो मैट ऐसी इनकम पर आपका जो अदरवाइज एप्लीकेबल टैक्स रेट है अगर वो टैक्स रेट आपका मैट रेट से लोअर है, जैसे सपोज हमारी एसएससी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट की इनकम हुई है जो केवल 5% से 150 ने कहता है टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी, तो उस पर हम मैट इस फॉरेन कंपनी को चलो नहीं लगाएंगे। सपोज हमारी एसएससी फॉरेन कंपनी को डिविडेंड की इनकम हुई है और मान लेते हैं वो कंट्री एक्स बेस्ड फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उनको इंडिया में डिविडेंड की इनकम हुई, इंडिया का कंट्री एक्स के साथ डीटीडब्ल्यू है कि डिविडेंड पर इंडिया में केवल 10% टैक्स लगेगा, वैसे 115 में 20% है, लेकिन सपोज कंट्री एक्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्प्रोमाइज किया कि आपके यहाँ की जो भी कंपनी इंडिया में डिविडेंड कमाएंगी उन पर 10% केवल टैक्स लगाया जाएगा। तो अब वो कंट्री एक्स बेस्ड कंपनी को इंडिया में जो डिविडेंड की इनकम हुई उस पर एज पर डीटीडब्ल्यू जो टैक्स है वो 10% लगना है, तो मतलब मैट रेट से लोअर रेट हो गया, तो अब उस केस में चलो हम मैट उस पर लगने ही नहीं देंगे। लॉ मेकर्स ने उस तरह का केस फाइनेंस एक्ट 2021 से यहां पर और ऐड कर दिया है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां लॉ मेकर्स ने वो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में भी जो रिलैक्सेशन है वो दे दिया है। और जब हमने ये इनकम्स आपकी मैट नेट से बाहर करा दी तो फिर इनसे रिलेटेड खर्चे आपके कैसे कंटिन्यू रह सकते हैं, वो पीएनएल में जो आपने डेबिट कर रखे होंगे हम उन एक्सपेंस को यहां रिवर्स करा रहे हैं। देन फ्रेंड्स याद कीजिए आपने एक सेक्शन 115BB एफ भी देख रखा है ना कि जो भी इंडिया में रेसिडेंट रिसर्चर इन्वेंटर साइंटिस्ट वगैरह है उनको जो भी रॉयल्टी इनकम होगी, एक्चुअली वो रॉयल्टी इनकम केवल 10% की कंसेशनल रेट पर ग्रॉस बेसिस पर उन वो टैक्स करा सके, ऐसा ऑप्शन 115BB में गिवन है। सपोज हमारी जो एसएससी है वो कोई भी कंपनी है, सपोज कोई एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी हमारी एसएससी है, उन्हें रॉयल्टी की इनकम हुई है इंडिया में डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड पेटेंट से और उस रॉयल्टी इनकम के लिए 115BB उन्होंने ऑप्ट कर लिया है जहां केवल 10% टैक्स उन्हें लगना बनता है, तो क्या आप उनको ये कहोगे कि नहीं 10% तो नॉर्मल है लेकिन मैट तो देना ही पड़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, आप रिकॉल कीजिए, लेजिस्लेचर ने बेसिकली जो पेटेंट से राइज होने वाली रॉयल्टी इनकम जो 115BF में कंसेशनल रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही हो, उसे यहां पर मैट के दायरे से बाहर कर दिया। और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई एक्सपेंस अगर इनकर किया है तो उस एक्सपेंस को आपको रिवर्स करना होगा, ये मैसेज यहां पर मैं पास ऑन कर दिया गया। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार केसेस हैं, इन ऑल फोर केसेस में रिवर्सल थीम है जो एडॉप्ट की गई है, ठीक है, कि भाई रिस्पेक्टिव इनकम हम आउट करा रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंस हैं वो हम आपको एड बैक करने के लिए रिक्वायर कर रहे हैं। तो ये वो चार आइटम्स हैं जिनके लिए रिवर्सल थीम एडॉप्ट की गई है। देन माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा आगे। एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो ज्यादा रेलिवेंट एरिया है वो मैं आपको एग्जाम्पल से ही रिकॉल करा देता हूं। चलिए तो फ्रेंड्स याद कीजिए, आपने डेप्रिसिएशन को लेकर जो एक स्कीम देख रखी है, डेप्रिसिएशन को लेकर आपने जो एक स्कीम देख रखी है, मैं वो आपको अब यहां पर रिकॉल करा रहा हूं। देखिए मानते हम राम लिमिटेड हमारी एसएससी कंपनी है, उनके पास प्लांट एंड मशीनरी 100 लाख रुपीज पर उनकी बुक्स में स्टैंड कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसका रिवैल्यूएशन किया क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो रिवैल्यूएशन परमिसेबल है, और रिवैल्यूएशन के बाद में वो उन प्लांट एंड मशीनरी को 150 लाख पर ले आई। ये अनडिस्प्यूटेड है। एंट्री क्या बनेगी फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 50। ओके, अब रिवैल्यूएशन के बाद में सिंस 150 लाख पर ये प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी ने अपना कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एजीएम के लिए पीएनएल बनाया, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि वो 15% का जो रेट है वो कंपनीज एक्ट के पीएनएल के लिए डेप्रिसिएशन के लिए अडॉप्ट कर रही है, मैंने मान लिया है, ठीक है। तो यहां पर 150 लाख पर 15% से 22.5 लाख वो डेप्रिसिएशन डेबिट कर रही होंगी, राइट अगर रिवैल्यूएशन नहीं होता तो डेप्रिसिएशन कितना यहां पर कंसीडरेबल बन रहा होता। अगर रिवैल्यूएशन नहीं होता तो फिर जो 100 लाख पर प्लांटेड मशीनरी है वो उनकी स्टैंड करती हुई नजर आ रही होती और केवल 15 लाख रुपीज उनका जो डेप्रिसिएशन है वो बन रहा होता। तो आप रिकॉल कीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेप्रिसिएशन पी&एल में डेबिटेड है यू विल एड दैट डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन अदर देन रिवैल्यूएशन बनता है आप उसे लेस करेंगे, जो हमारे इस एग्जांपल में 15 लाख है। एंड फिर आप देखोगे कि क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व से कंपनी ने कोई अमाउंट विथड्रॉ किया है, क्या उन्होंने रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट विथड्रॉ किया है। पहला केस मानते हैं 7.5 लाख, तो सिंस उनका करंट ईयर प्रॉफिट इस रिवैल्यूएशन से डिस्टर्ब्ड हमें नजर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अगर 15 की जगह 22.5 डेबिट किया, मतलब 7.5% का एक्सेस वर्डन क्रिएट किया, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी मेंटेन किया, उनका ये नेट प्रॉफिट करेक्ट फिगर पर है। तो ऐसे केस में जबरदस्ती का एडजस्टमेंट उनके लिए ना हो जाए, इसके लिए जो रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब यहां पर आप देखिए इन दोनों एडजस्टमेंट का रिजल्ट तो यही आ रहा है ना कि 7.5 लाख जबरदस्ती यहां पर ऐड हो गया जबकि प्रॉफिट अदरवाइज अफेक्टेड नहीं है, तो फिर वो इफेक्ट रिवर्स हो जाए इसके लिए वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो की गई विथड्रॉन है वो आप लेस कर दोगे, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट जो था उसी तक आप वापस पहुंच सके। फ्रेंड्स जो पॉसिबिलिटीज अदरवाइज बनती है वो किस तरह की और बनती है कि सपोज एग्जामिनर ने क्या किया, उन्होंने यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व से विड्रॉन अमाउंट केवल 5 लाख दिखाया, तो यहाँ पर जो रिडक्शन है वो केवल 5 लाख रुपीज का मिलेगा, और अगर 10 लाख बताया तो फिर उस केस में रिकॉल कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 लाख बताया तो उस सिचुएशन में जो रिडक्शन है वो रिडक्शन आपने रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में डेबिट किया है टू दैट एक्सटेंट ही मिलेगा। थर्ड केस में जो रिडक्शन है वो 7.5 लाख का ही मिलेगा, ठीक है। 2.5 लाख अगर इस प्रॉफिट में इन्वॉल्व है तो वो इन्वॉल्व ही बने रहने दिया जाएगा। ये मैंने क्विकली जो थीम है माय डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको अभी रिफ्रेश कराई। अब आप देखिए तीन एडजस्टमेंट्स की जो सीरीज है उसमें आप सबसे पहले जो भी पीएनएल में डेप्रिसिएशन डेबिटेड है उसे आप ऐड कर देते हो, जो 22.5 लाख था इन आवर एग्जांपल, एंड इसके बाद में रिडक्शन की लिस्ट में आइए जो भी डेप्रिसिएशन डेबिटेड है अदर देन डेप्रिसिएशन एट्रिब्यूटेबल फ्रॉम रिवैल्यूएशन कंपोनेंट, तो आप 22.5 में 7.5 आपका रिवैल्यूएशन कंपोनेंट से एट्रिब्यूटेबल डेप्रिसिएशन था उसको हटाकर जो 100 पर 15 बनता है दैट इज 15 लाख वो लेस कर रहे थे, वो लेस करेंगे। and then amount withdrawn from revaluation reserve to the extent of depreciation relating to revaluation component, जो हमारे एग्जाम्पल में 7.5 लाख रुपीस था, तो उसी हद तक का जो रिवेल्यूशन रिजर्व से विड्रॉन है वो आप यहाँ पर और लेस करेंगे, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स ये जो तीन एडजस्टमेंट्स की जो सीरीज है ना डेप्रिसिएशन को लेकर, ये एग्जाम में आपको जनरली काम आती ही आती है। जब भी मैट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसमें तीन एडजस्टमेंट्स की ये जो सीरीज है ये जनरली आपको काम आती ही आती है। देन आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है कि सस्ती ने जिस असेट का डिस्पोजल किया है उसका कभी रिवैल्यूएशन किया हो और उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई अमाउंट स्टैंड कर रहा हो, लेकिन कोई असेट अगर रिटायर हो रही है, डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व सस्टेन करे, कंटिन्यू रहे, इस बात का क्या सेंस और सिग्निफिकेंस है, करो पीएनएल में क्रेडिट करो से खत्म, और अगर आप नहीं करोगे तो हम कराएंगे। लॉ मेकर्स ने एडिशन की लिस्ट में एक अलग से आइटम दिया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में स्टैंड करने वाला कोई अमाउंट उस असेट दैट इज रिवैल्यूड असेट के रिटायरमेंट डिस्पोजल पर अगर पीएनएल में क्रेडिट आपने नहीं किया तो हम कह रहे हैं कि वो बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर एड किया जाएगा। अब रिडक्शन की जो लिस्ट है आइए इसमें कदम और रखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर किसी रिजर्व से कोई अमाउंट अगर विथड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट किया गया है तो फिर आप उसे लेस कीजिए, लेकिन एक कंडीशन है कि उस रिजर्व वाले अमाउंट ने जिस ईयर में वो रिजर्व क्रिएट हुआ था उस ईयर में बुक प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया हो, मतलब तब मैट जा चुका हो। तो जिस ईयर में आप रिजर्व अमाउंट लेकर गए थे उस अमाउंट ने उस क्रिएशन वाले ईयर में इस एडजस्टमेंट की वजह से अगर एडिशन इफेक्ट दे दिया है, मतलब तब मैट जा चुका है, तो फिर अब हम उस रिजर्व से की गई विथड्रॉन का जो रिडक्शन है वो आपको यहां पर अलाउड कर देंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली मैसेज क्या आ रहा है कि अगर एग्जामिनर ने हमें अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व दिया लेकिन साथ में ये लिख दिया कि ये क्रिएशन वाली ईयर में बुक प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करके आया है, तो मतलब तब मैट नहीं जा पाया है, तो अब हम रिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, राइट। अच्छा इसके अलावा फ्रेंड्स रिडक्शन की लिस्ट में ही अब आप देखिए क्या यहां पर और हमें कहा गया कि सुनो अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आ रहा है उसमें डेप्रिसिएशन से एट्रिब्यूटेबल जो कंपोनेंट है उसे हटाओ, वो कहलाएगा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अदर देन डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लेस विल बी रिड्यूस्ड, लेकिन ये दोनों ही फिगर्स ली जाएंगी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके वैसे तो माय डियर फ्रेंड्स दोनों में से एक ही का बेनिफिट मिलने की बात हो रही है, लेकिन इसके एक नहीं दो एक्सेप्शन है जिनमें कि दोनों का ही जो एग्रीगेट अमाउंट है, मतलब दोनों का ही जो बेनिफिट है वो एसएससी कंपनी को दे दिया गया है। एक तो वो केस जहां पर एसएससी कंपनी के अगेंस्ट में अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन अंडर आईबीसी एनसीएलटी ने अगर एडमिट कर ली है, और दूसरा ऐसी कंपनी जिसका जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मूव्ड एप्लीकेशन पर अगर एनसीएलटी ने अगर सस्पेंड कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यू सेट ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड है उस कंपनी के लिए वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर एनसीएलटी ने अपॉइंट कर दिया है, तो ना सिर्फ वो कंपनी जिसका एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पर एनसीएलटी ने सस्पेंड किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड न्यू सेट ऑफ डायरेक्टर को उस कंपनी के लिए एनसीएलटी ने अपॉइंट किया, ना सिर्फ वो कंपनी बल्कि उसकी सब्सिडरी और सब्सिडरी की भी आगे जो सब्सिडरी है, जब आप उनका बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो उस केस में आप उन्हें उनके ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों का जो बेनिफिट है वो अलाउ करेंगे। और रिकॉल कीजिए सिक रिवाइवल के लिए लॉ मेकर्स के एफर्ट को कि अगर आपकी एसएससी सिक इंटरेस्टल कंपनी है तो आप उनका जो भी प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट को उनका बुक प्रॉफिट निकालने के लिए लेस करेंगे। ये कब तक आप करेंगे? उस प्रीवियस ईयर तक जिस प्रीवियस ईयर में कंपनी की नेटवर्थ उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस के इक्वल या उससे एक्सीड करने लगे, उस प्रीवियस ईयर तक आप ये बेनिफिट उनको देंगे इंक्लूडिंग दैट ईयर ऑल्सो। मतलब कंपनी की नेटवर्थ एक्यूमुलेटेड लॉसेस की इक्वल आ गई या उससे एक्सीड करने लगी, इसका मतलब क्या कि कंपनी की सिकनेस खत्म हो गई। तो उस ईयर को मिलाकर इंक्लूड करके मतलब उस प्रीवियस ईयर तक जब आप उस कंपनी का बुक प्रॉफिट निकाला करोगे तब उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा उससे आप यहां पर लेस कर दिया करोगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी तक जो मैंने आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस किए, नॉर्मली वो एडजस्टमेंट्स आपको बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने में ज्यादातर हेल्पफुल प्रूव होते हैं, और आगे के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स हैं, यूनिक एडजस्टमेंट्स हैं। तो हमने बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए एडजस्टमेंट्स की लिस्ट का जो एक पार्ट है वो यहाँ पर केवल अभी डिस्कस किया, और आगे के जो एडजस्टमेंट्स हैं उनमें अब हमारी एसएससी कंपनी बनने जा रही है, कोई स्पॉन्सर कंपनी जिसने स्पेशल पर्पस व्हीकल की जो शेयर्स हैं उनमें कभी इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। तो अब मैं बिजनेस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट के पार्ट, स्पॉन्सर के लिए जो कुछ मैट के बेस बुक प्रॉफिट को लेकर एडजस्टमेंट्स हमें दिए गए हैं वो आपको क्विकली रिफ्रेश कराता हूं। तो मैं फिर यह आपको दोबारा कहना चाहूंगा कि अब हमारी एसएससी स्पॉन्सर कंपनी बनेगी जिसके पास एसपीवी के स्पेशल पर्पस व्हीकल के शेयर्स होंगे। उनने क्या किया होगा, सपोज उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, मान लेते हैं कभी 100 लाख के, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सपोज हमारी एसएससी स्पॉन्सर कंपनी ने एसपीवी के जो शेयर्स है वो कभी खरीदे थे 100 लाख में, और वो शेयर्स अब उन्होंने एक्सचेंज कर लिए बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से। उन्होंने बिजनेस ट्रस्ट को वो शेयर्स हैंड ओवर किए और उसके बदले में उन्हें बिजनेस ट्रस्ट से जो यूनिट्स हैं वो ऑन एक्सचेंज मिल गईं, और उन यूनिट्स की जो एफएमबी है मान लेते हैं 125 लाख की है। अब आप आईसीडीएस 8 सिक्योरिटीज वाला देखते हो ना, एएस 13 भी कहता है कि इन केस ऑफ एक्सचेंज जो रिसीव्ड सिक्योरिटी की एफएमबी है आपको उस पर उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब इस कंपनी को जो इस एक्सचेंज में 25 लाख रुपीस का गेन जो एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ है, नोशनल है, एक्चुअली तो तब रियलाइज होगा जब वो यूनिट वगैरह के एक्चुअली सोल्ड होंगी, तो वो गेन भली एक्चुअल नहीं है लेकिन भली नोशनल है, लेकिन आईसीडीएस 8 वगैरह की वजह से उन्हें ये जो यूनिट्स है वो 125 लाख पर रिकॉर्ड करनी होंगी। इस तरह से 25 लाख रुपीस का जो गेन नोशनल ही सही उन्हें अपने पीएनएल में क्रेडिट करना होगा, नेट प्रॉफिट का पार्ट बनेगा। तो इससे कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगी उस कंपनी को। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने नोशनल गेन जो आपको पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ा आईसीडीएस 8 वगैरह की वजह से, चलो हम उसका जो रिडक्शन है वो आपको यहां पर अलाउ कर देते हैं। हमने उसका जो रिडक्शन है वो आपको यहां पर अलाउ कर दिया। अब ये तो ईयर ऑफ एक्सचेंज की कहानी थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली सपोज वो जो स्पॉन्सर कंपनी है वो उन शेयर्स के बदले में आ चुकी यूनिट्स को एक्चुअली सेल करते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो ये वाली कहानी थी ये तो ईयर ऑफ एक्सचेंज की थी, लेकिन अब हम आ गए हैं कि जब एक्चुअल हैपनिंग हो रही है, मतलब कि जो यूनिट्स हैं उनको एक्चुअली सेल किया जा रहा है। मान लेते हैं वो बिक गई यूनिट सपोज 140 लाख में, और वो कितनी कॉस्ट पर कैरी कर रही होंगी ये स्पॉन्सर कंपनी 125 लाख पर ना फ्रेंड्स, बुक्स में तो वो उन्हीं पर कैरी कर रही हैं, तो 15 लाख का जो गेन है वो एक्चुअली क्रेडिट कर रही होंगी। तो अब हम आपका बुकेस गेन यहां पर मैट का बेस नहीं बनाएंगे, बल्कि जो रियली मतलब इन रियल सेंस जो आपको गेन हुआ है हम उससे टैक्सेशन का बेस बनाएंगे कि ओरिजिनली आपकी पॉकेट से कितना गया था 100 लाख ना, ओरिजिनली आपकी पॉकेट से कितना गया था 100 लाख, और लास्टली आपकी पॉकेट में अब आ कितना रहा है तो 140 लाख। लास्टली अब आपकी पॉकेट में 140 लाख आ रहा है, ओरिजिनली आपकी पॉकेट से 100 लाख गया था, तो एक्चुअली जो गेन आपको रियलाइज हुआ है वो 40 लाख का रियलाइज हुआ है। तो अब हम मैट का बेस उससे बनाएंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है कि एक्सचेंज वाले ईयर में हम किसी नोशनल फिगर पर आपको टैक्स नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल हैपनिंग वाले ईयर में हम आपके बुकेस गेन पर नहीं मानेंगे, बल्कि आपको जो एक्चुअल गेन हुआ है हम उस पर मैट लगाएंगे। सिमिलरली लॉस के केस में माय डियर फ्रेंड्स, लॉस के केस में भी यही थीम है जो एक्चुअली अडॉप्ट की गई है कि ईयर ऑफ एक्सचेंज में हम आपके बुकेस लॉस का आपको बेनिफिट नहीं देने वाले। मतलब क्या, जैसे सपोज जो शेयर्स थे एसपीबी के वो स्पॉन्सर कंपनी ने 100 लाख में लिए थे, उन्हें इसके बदले में बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट्स अलॉट हुई हैं। यूनिट्स की जो मार्केट प्राइस रही है मान लेते 75 5 लाख रही है। तो ऑन एक्सचेंज जो एक्चुअल ना सही नोशनल ही सही जो लॉस है वो सस्सी कंपनी ने डेबिट कर रखा होगा 25 लाख का। तो जब हम नोशनल बेस पर गेन आपको एक्सचेंज वाली ईयर में टैक्स नहीं कर रहे तो फिर लॉस का बेनिफिट कैसे दे देंगे। तो हाँ, आपने जो भी लॉस डेबिट कर रखा है एडिट, सपोज अब एक्चुअल हैपनिंग वाला जो ईयर है ईयर ऑफ सेल, उसमें हम मान लेते हैं कि उन यूनिट्स को फाइनली जब एसएससी कंपनी ने बेचा केवल 60 लाख मिला, जबकि वो उनको कैरी कर रही है बुक्स में कितने पर 75 लाख पर। तो बुक्स में जो लॉस उन्होंने एक्चुअली डेबिट किया होगा वो 15 लाख का किया होगा। तो अब हम आपके बुकिस लॉस का आपको बेनिफिट नहीं देंगे बल्कि जो रियल लॉस है हम उसका बेनिफिट आपको अलाउ कर देंगे। ये थीम है जो लॉ मेकर्स ने लॉ में एडॉप्ट कर रखी है। एक्चुअल लॉस का मतलब क्या, आपके पास लास्टली क्या आया है 60 लाख आपके पास है और रीजनली क्या गया था, इन यूनिट्स का ओरिजिन किससे है, शेयर से ना, और शेयर्स के लिए कितना खर्च किया था सस्सी कंपनी ने 100 लाख ना। तो आपका जो रियल लॉस है कि भाई आपकी पॉकेट से ओरिजिनली गया था 100 लाख, लास्टली आया है 60 लाख, तो 40 लाख रुपीस का आपको रियली लॉस हुआ है। तो उस 40 लाख का जो टोटल बेनिफिट है वो हम आपको यहाँ पर अलाउ कर देंगे। कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हम आपको ईयर ऑफ एक्सचेंज में कोई नोशनल बेस पर बेनिफिट नहीं लेने देंगे और ईयर ऑफ एक्चुअल हैपनिंग में हम आपको आपके बुकिस लॉस का नहीं बल्कि एक्चुअल लॉस का जो बेनिफिट है वो यहाँ अलाउ कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रिवीजन सेशन है, अदरवाइज रेगुलर बैच में हम टाइम स्केल डायग्राम पर प्रॉपर जो केस स्टडीज है वो इस पर बनाकर जो डिस्कशन है वो करते हैं। नॉर्मल प्रोविजन से के ट्रीटमेंट को भी साथ में हम कंपेरिजन के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैट के लिए बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जो स्पॉन्सर कंपनी से रिलेटेड जो सारे एडजस्टमेंट्स थे मुझे उम्मीद है कि वह आपको रिफ्रेश हो गए होंगे इतने डिस्कशन से भी, ठीक है। और आइए अब एग्जामिनर आपको IND AS कंप्लाइंट कंपनी आपका एसएससी बनाकर भी जो क्वेश्चन है वो देते आ रहे हैं। तो अब हम अपनी एसएससी बनाएंगे IND AS कंप्लाइंट कंपनी को, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और इन एडजस्टमेंट्स की बात चलो हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार बुक प्रॉफिट को एक फ्लो में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारी जो एसएससी बनने जा रही है वो IND AS कंप्लाइंट कंपनी बनने जा रही है। देखो, आपको पता है कि IND AS में जो असेट लायबिलिटीज के मेजरमेंट के लिए, इनकम गेन लॉसेस एक्सपेंडिचर के रिकॉग्निशन वगैरह के लिए जो फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग की अप्रोच वो अडॉप्ट की गई है, और नॉर्मल एएस में आपको पता है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वगैरह को एडॉप्ट किया जाता है, जिसकी वजह से IND AS कंप्लाइंट कंपनी के P&L के नेट प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो नॉर्मल AS कंप्लाइंट कंपनी के प्रॉफिट की पोजीशन से डिफर करे, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए ये जो IND AS कंप्लाइंट कंपनी के बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स स्पेशली जो दिए गए, मैं अब उन्हें आपके सामने के करके रखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जनरल सी बात क्या कि हम हमारी एसएससी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अकॉर्डिंगली जो नेट प्रॉफिट है बिफोर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइडेंटिफाई करेंगे। और जो आप नॉर्मल कंपनी के लिए भी जितने एडजस्टमेंट्स अभी देखकर आए हैं ना, हाँ, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स आप IND AS कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी करेंगे। जो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इनकम टैक्स ऐड करना है, डेफर्ड टैक्स रिवर्स करना है, प्रोविजन फॉर सर्टेन लायबिलिटीज ऐड करना है, वो सारे एडजस्टमेंट जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो यहाँ पर IND AS कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी किए जाएंगे। अब मेन काम जो शुरू होगा ना फ्रेंड्स, वो यहां से शुरू होगा कि आप IND AS कंप्लाइंट कंपनी का जब बुक प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऐसे सर्टेन आइटम्स जो परमानेंटली रिजर्व में रिकॉर्ड होते हैं, जिनको P&L में कभी रिक्लासिफाई नहीं किया जाता, आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऐसे सर्टेन आइटम से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो और करेंगे। ये आइटम्स कब बुक प्रॉफिट में इंक्लूड किए जाएंगे, किस तरह से किए जाएंगे, वो डिफरेंट आइटम के लिए जो थीम है, आइए मैं इजी फॉर्म में वो चीजें आपको रिकॉल इनिशियली कराता हूं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो वो क्या एडजस्टमेंट्स यहां पर रखे गए हैं, तो वो अब आप रिकॉल कीजिएगा। सबसे पहले आप मेरे फ्रेंड्स इंड एएस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंड एएस 38 में इंटेंजिबल असेट्स के लिए ये देखते हैं ना कि ने फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट किए जाने से जो भी चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, अगर सपोज फेयर वैल्यू डाउन चली गई तो वो लॉस जैसी स्थिति है, अप हो गई तो फिर वो गेन जैसी स्थिति है। तो जो भी उस फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट किए जाने से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स के रिवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज होगा, वो ये इंड एएस कहते हैं ना कि पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एडजस्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। फेयर वैल्यू डाउन चली गई, लॉस की स्थिति है, डेबिट करो। अगर फेयर वैल्यू अप हो गई तो गेन की स्थिति है, उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट करो। लेकिन एक नॉर्मल एएस कंप्लाइंट कंपनी के लिए तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह जब ट्रांसफर होते हैं, उस ईयर ऑफ ट्रांसफर में एक्चुअली जो गेन रियलाइज होता है वो क्रेडिट होता है, या वाइसा वर्सा कि अगर कंसीडरेशन कम रियलाइज हुआ, लॉस हो गया तो वो डेबिट किया जाता है। अब इंड एएस कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी जो पोजीशन है वो नॉर्मल एएस कंप्लाइंट कंपनी के पार बुक प्रॉफिट की बनानी है, इसीलिए इस रिवैल्यूएशन वाले ईयर के बुक प्रॉफिट में कोई एडिशन या रिडक्शन नहीं किया जाएगा। बुक एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स जो इंड एएस कंप्लाइंट कंपनी के लिए रिवैल्यूएशन वाले ईयर में कोई भी प्लस माइनस नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब एक्चुअली वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स का डिस्पोजल होगा, जब वो ट्रांसफर किए जाएंगे उस ईयर में एक्चुअली जो गेन रियलाइज हुआ होगा वो प्लस करेंगे, या लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो जो इंड एएस कंप्लाइंट कंपनी के लिए सबसे पहले जो कहा गया है वो तो यही कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स के लिए चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस रहा होगा एज पर दीज इंड एएस, तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो भी आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिट और क्रेडिट किया, वो जिस ईयर में आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिट और क्रेडिट किया मतलब वो रिवैल्यूएशन वाला ईयर, उस ईयर के बुक प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उस टाइम पर ना कोई प्रॉफिट एक्चुअली रियलाइज हुआ, ना कोई लॉस एक्चुअली अराइज हुआ। तो कब किया जाएगा? तब जब वो एसेट इन्वेस्टमेंट वगैरह रिटायर, डिस्पोज ऑफ, रियलाइज्ड या अदरवाइज ट्रांसफर्ड होंगे, उस ईयर में जो भी एक्चुअल बेसिस पर गेन और लॉस होगा उस रियलाइजेशन वाले ईयर में जो टैक्सेबिलिटी वो राइज होगी, तब वो बुक प्रॉफिट में एडलेस किया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही जो सेम थीम है वो आप जो अपना इंड एएस 109 देखते हो ना, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वाला, माय डियर फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए। इंड एएस 109 भी तो यही कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा आप उसे फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट करोगे, और जो भी उससे चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। राइट क्योंकि वो एक नॉन क्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अब लॉ मेकर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई नॉर्मल कंपनी के केस में तो एक्चुअल हैपनिंग वाले ईयर में पीएनएल में प्लस माइनस देखने को मिलता है, तो हम इंड एएस कंप्लाइंट कंपनी के लिए भी यही बात कह रहे हैं जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स के लिए कही। क्या कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट किए जाने वाले ईयर में बुक प्रॉफिट में कोई प्लस माइनस नहीं होगा। कब होगा? जब उनको एक्चुअली रिटायर या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तब जो एडजस्टमेंट है वो किया जाएगा। बिल्कुल सेम लाइन पर कोई भी फर्क नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, तो जो भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू पर डेजिग्नेट किए जाने की वजह से जो भी गेन और लॉस देखने को मिल रहा है वो गेन और लॉस उस रिवैल्यूएशन वाले ईयर के बुक प्रॉफिट में ऐड और लेस नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? तब वो इन्वेस्टमेंट रिटायर, डिस्पोज ऑफ, रियलाइज्ड होंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन वाले ईयर में कोई भी गेन या लॉस एक्चुअली अराइज नहीं हो रहा, इसलिए उस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ, जब एक्चुअल हैपनिंग होगी तब उस टाइम पर जो टैक्सेबिलिटी है वो अराइज होगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो गया होगा। इन दोनों ही पॉइंट्स के लिए एक ही थीम है जो आपको यहाँ पर इजी फॉर्म में ये शो कर दी गई थी। ठीक है। तो बस रिवैल्यूएशन वाले ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं बुक प्रॉफिट में, ठीक है। कब करेंगे? एक्चुअल हैपनिंग वाले ईयर में, दैट्स इट। लेकिन अब उल्टी गंगा बहेगी। हाँ आप देखना फ्रेंड्स, अब आप अपने IND AS 19 देखते हो ना, इसके साथ डील करता है वो रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान्स के लिए साथ में। माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए, आपके IND AS 19 में जो ये डिफाइंड एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के रीमेजरमेंट से जो भी गेन या लॉस होता है आपके IND AS 19 में, वो नॉन क्लासिफिकेशन आइटम है, राइट वो आप अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एडजस्ट करते हो, वो P&L का पार्ट नहीं बनता। लेकिन आपके नॉर्मल AS में फ्रेंड्स वो P&L का आइटम है कि ईच ईयर जो भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के रिमेजरमेंट से अगर एम्प्लॉय के प्रति अगर कंपनी की लायबिलिटी बढ़ने जा रही है तो वो लॉस की स्थिति है, तो वो एज अ लॉस P&L में उसका डेबिटिंग अलाउड है। और अगर सपोज उस रीमेजरमेंट की प्रोसेस में कंपनी के अपने एम्प्लॉइज के प्रति जो लायबिलिटी है वो घट रही है, रिड्यूस हो रही है, सेविंग की स्थिति है, मतलब फायदे की स्थिति है, तो वो गेन की पोजीशन है, तो उसको आप P&L में क्रेडिट कीजिए। ये आपके नॉर्मल AS की जो थीम है वही नॉर्मल AS वाली कंपनी के एटपार IND AS वाली कंपनी का प्रॉफिट आ जाए, वो प्रॉफिट आ जाए, इसके लिए लॉ मेकर्स ने IND AS वाली IND AS में भले ये नॉन क्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट है, लेकिन IND AS वाली कंपनी के लिए भी बिल्कुल सेम लाइन पर इसकी जो डेबिटिंग क्रेडिटिंग है वो अलाउ कर दी है। आप देखिए तो फ्रेंड्स, अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स के रीमेजरमेंट से जो भी गेन या लॉस अराइज होगा वो रेस्पेक्टिव ईयर में ही, मतलब उस रीमेजरमेंट वाले ईयर में ही बुक प्रॉफिट का पार्ट बना दिया जाएगा। अगर उस रीमेजरमेंट की प्रोसेस में अगर सपोज कंपनी की सेविंग हो रही है, अपने एम्प्लॉइज के प्रति लायबिलिटी घट रही है, तो मतलब फायदे की बात है, इसे बुक प्रॉफिट में ऐड कीजिए। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब नुकसान की बात है, इसे बुक प्रॉफिट से लेस कीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल AS में ये P&L में रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो भले ही IND AS में ये नॉन क्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट है, लेकिन हमें तो IND AS वाली कंपनी का भी जो बुक प्रॉफिट है वो नॉर्मल AS कंप्लायंट कंपनी के पार बनाना है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया। और ना सिर्फ डिफाइन बेनिफिट प्लान्स के रीमेजरमेंट के लिए, बल्कि कोई भी ऐसा अदर आइटम है जो नॉर्मल AS में P&L का आइटम है और IND AS में नॉन क्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट है, आप उसके लिए भी बिल्कुल यही सेम टू सेम थीम माय डियर फ्रेंड्स अडॉप्ट करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको ये चीजें काम आएंगी, जैसे फ्रेंड्स अगर कोई डेफर्ड सपोज कोई डेफर्ड कॉस्ट या डेफर्ड गेन आपको दे दिया जाए कैश फ्लो हैज का या अदरवाइज हेजिंग का, तो जो भी आपको अदर आइटम देखने को मिलेगा, जैसे हम प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के एडजस्टमेंट्स के, भाई डेफर्ड कॉस्ट ऑन कैश फ्लो हैज दे दिया या डेफर्ड गेन ऑन हेजिंग दे दिया, जो भी अदर आइटम्स होंगे हम तो बस क्या करेंगे, हम उन्हें अगर वो हमें डेबिटेड शो किए गए हैं मतलब नुकसान की बात है, हम उसे लेस करेंगे, और अगर क्रेडिटेड फिगर दी गई है तो मतलब फायदे की बात है तो लेस करेंगे, दैट्स इट। तो जो थीम अभी हमने ये डिफाइंड रीमेजरमेंट वाली जो बात है इसके लिए जो डिस्कस किया ना, बिल्कुल वही थीम आप अदर आइटम्स के लिए अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो चाहे वो हेजिंग है, कैश फ्लो हैज जैसा कोई आइटम गिवन है, उन सब के लिए हम वो लेकर चलेंगे, ये वाली जो थीम है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और सपोज हमारी एसएससी कंपनी ने करेंट ईयर में फर्स्ट टाइम सपोज IND AS पर ट्रांजिट किया है, शिफ्ट किया है, तो ऐसे केस में हमें जो भी ट्रांजिशन अमाउंट दिया होगा हम उस ट्रांजिशन अमाउंट का 1/5 5 ईयर्स तक ईच ईयर एडजस्ट कर देंगे। याद है ना फ्रेंड्स जो ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट है, तो देखिए ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट के लिए आपने एग्जाम के लिए मेनली जो कैरी करना है, मैं बस केवल उसकी बात अभी यहाँ पर इस रिवीजन सेशन में कर रहा हूं। ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स में आप क्या करने वाले हैं, जो भी ईयर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ईयर ऑफ ट्रांजिशन होता है, आप उस ईयर का एंड उसके नेक्स्ट 4 ईयर्स का जब बुक प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तब आप 1/5 ऑफ ट्रांजिशन अमाउंट ईच ईयर एड करेंगे, अगर आपको ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। लेकिन अपोजिट हुआ होगा। तो अगर आपको ट्रांजिशन अमाउंट का डेबिट बैलेंस अगर दिया गया तो आप ईच ईयर 1/5 ऑफ ट्रांजिशन अमाउंट को लेस करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखना है ट्रांजिशन अमाउंट में अगर कोई कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर इंक्लूडेड हैं तो आप उनको एक्सक्लूड करके चलेंगे, आप माय डियर फ्रेंड्स उनको एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं एक्सक्लूजन के लिए, वो रेगुलर बैच में हम डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली आइडिया देता हूं उनका। फ्रेंड्स, अगर ट्रांजिशन अमाउंट में सपोज कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल असेट्स का, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का, मतलब वो इंडिया 1638 इंडिया 109 वाले जो आइटम्स हैं उनका चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का कोई अमाउंट अगर इन्वॉल्व गिवन है, तो ये तो हमें पता है ना कि जब ये एक्चुअली रियलाइज होंगे, ट्रांसफर होंगे, तब सारा का सारा जो अमाउंट है वो बुक प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाना है। अभी हमने इंक्लूजन वाले एडजस्टमेंट्स में देखा, तो फिर इनके 5 टुकड़े क्यों किए जाए, इस पर 150 की थीम क्यों लगाई जाए। तो अगर ट्रांजिशन अमाउंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल असेट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो वो यहां से हम आउट कर देते हैं, क्योंकि ये तो जब रियलाइज्ड एक्चुअली होंगे तब वो पूरे फिगर पर बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे, राइट। यह भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है टेबल में। इसी तरह से अगर सपोज कोई आइटम ट्रांजिशन अमाउंट में ऐसा इन्वॉल्व है जो सब्सिक्वेंटली पी एंड एल का पार्ट बनना है, बुक प्रॉफिट में इंक्लूड होना है, तो फिर ऐसे केस में उस पर जो 5 टुकड़ों की थीम है 1/5 वाला जो एडजस्टमेंट है वो थीम अप्लाई करने की माय डियर फ्रेंड्स क्या जरूरत है, मेरे ख्याल से उस केस में फिर उसकी कहीं पर कोई भी जरूरत नहीं है, राइट ना। आप देखिए मैंने ये सारी चीजें जो अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, देखिए मैं केवल एडिशनली कुछ चीजें हैं जो आपके नोटिस और नॉलेज में यहाँ पर ये और लेकर आ रहा हूं। तो ट्रांजिशन अमाउंट के लिए ये आप कंसीडरेशन में लेकर चलिए कि अगर कोई भी अगर ट्रांजिशन अमाउंट में कोई भी ऐसा अमाउंट इन्वॉल्व है जो सब्सिक्वेंटली माय डियर फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट में इंक्लूड होना ही होना है, जैसे कंपनी ने इंडिया पर ट्रांजिट किया तो उनके जो भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह है वो फेयर वैल्यू पर जब मेजर किए गए तो जो भी उसमें गेन और लॉस जो नोशनल है, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डेबिटिंग क्रेडिटिंग की वजह से ट्रांजिशन अमाउंट का पार्ट बना हुआ है, हम उसको आउट करेंगे। क्यों आउट करेंगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वो एक्चुअल हैपनिंग वाले ईयर में इंक्लूड होने हैं, तो फिर उनके 5 टुकड़े करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की चीजें बेरेक में और गिवन है जो रेगुलर बैच में आपको राइटिंग में नोट्स में सब देखने को मिलती है, लेकिन मैंने क्विकली वो आपको रिफ्रेश करा दिया। इसलिए इसी तरह से कोई भी अदर आइटम जो बुक प्रॉफिट में आगे किसी ईयर में इन्वॉल्व होना ही होना है एज अ होल, तो उस पर 1/5 वाली जो थीम है वो आप अडॉप्ट नहीं करेंगे। जैसे आप अपने IND AS 109 में ही देखते हैं फ्रेंड्स, वहां पर जैसे ट्रांजिशन जो इनफैक्ट ट्रांसलेशन रिजर्व का जो डिफरेंस इनफैक्ट देखने को मिलता है आपको, आप अपने IND AS 109 में माय डियर फ्रेंड्स जो अपना देखते हैं ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन जो आपको देखने को मिलता है, आई थिंक आपका IND AS 109 में कोई जो बहुत सारी चीजें जहां आप देखते हैं वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलती है ना कि जो भी फॉरेन ऑपरेशंस का ट्रांसलेशन डिफरेंस होगा वो आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप उसे इंक्लूड करोगे, ठीक है। वो आपका नॉन क्लासिफिकेशन आइटम है, लेकिन हमें पता है कि नॉर्मल कंपनी के केस में जब उस फॉरेन ऑपरेशन को आप रियलाइज या अदरवाइज ट्रांसफर करते हैं तब जो गेन और लॉस है उसकी बुकिंग होती है। तो यहां पर भी अगर ट्रांजिशन अमाउंट में अगर कोई सपोज एग्जामिनर ने आपको ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन दे दिया तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको पता है कि इसके डिस्पोजल और ट्रांसफर के टाइम पर एज अ होल टैक्सेबिलिटी आनी है, तो फिर इसके 5 टुकड़े क्यों करने हैं, इसको हम ट्रांजिशन अमाउंट से बाहर कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर और डिस्कस की। तो आपने अभी तक के डिस्कशन से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स को लेकर माय डियर फ्रेंड्स? अभी तक के डिस्कशन का जो क्रक्स है वो केवल और केवल इतना सा है, कितना सा, अभी तक के डिस्कशन का जो क्रक्स है कि ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट में सबसे पहली बात जो भी एग्जामिनर ने ट्रांजिशन अमाउंट में दिया होगा, हम सबसे पहला काम करेंगे क्या, कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को बाहर करेंगे। इसके अलावा एक ही लाइन माइंड में सेट कर लो, कोई भी ऐसा आइटम जो सब्सिक्वेंटली बुक प्रॉफिट का पार्ट बनने वाला है उस पर 5 टुकड़े की थीम हम अप्लाई नहीं करेंगे, उस आइटम को भी ट्रांजिशन अमाउंट से आउट करके चलेंगे, चाहे वो किसी फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन रिजर्व हो, ट्रांसलेशन डिफरेंस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो, हम ये आइटम जो सब्सिक्वेंटली पीएनएल में बुक प्रॉफिट का पार्ट बनने हैं वो उन पर 1/5 की थीम अप्लाई नहीं करेंगे। दैट्स इट, ये डिस्कशन का यहाँ क्रक्स है। ओके, तो काफी कुछ चीजें हैं जो हमने क्विकली यहाँ पर रिफ्रेश किए हैं। इंड एस कंप्लाइंट कंपनी पर बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे वहां पर ये सारे जो पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स उनकी आपको प्रैक्टिस हो जानी है, राइट। चलो अब मैं फाइनेंस एक्ट 2021 से जो एक नई इंसर्शन की गई है उसमें आपको लेकर बढ़ता हूं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो इंसर्शन की गई है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इंसर्शन है। ये की क्यों गई है तो आइए मैं रेगुलर बैच का थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ तो इस रिवीजन सेशन में भी शेयर कर लेता हूं। देखिए एक जेन्युइन हार्डशिप को मिटिगेट करने के लिए ये जो नई इंसर्शन है ये लाई गई है। तो वो जेन्युइन हार्डशिप क्या है वो मैं क्विकली आपको रिफ्रेश करा देता हूं, जो एग्जिस्ट कर रही थी जिसको रिमूव करने के लिए सारा कुछ काम हुआ। सपोज कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, हमने मान लिया यहाँ पर सपोज कोई एक्स लिमिटेड कंपनी हमारी एसएससी है। एक्चुअली उन्होंने किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में प्रीवियस ईयर 2021-22 में जब एंटर किया तो उन्होंने उसके लिए एओ पता नहीं क्या एएलपी लेगा, तो उन्होंने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए बोर्ड को अप्लाई कर दिया और बोर्ड ने भी एपीए पर साइन किया, ठीक है, और उसमें एएलपी और उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो बोर्ड ने बता दी। अब आपको तो पता है ना सेक्शन 92CC माय डियर फ्रेंड जो हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का टीपी में रिफ्रेश भी करके आए हैं वहां पर एक रोलबैक मैकेनिज्म भी हमने रिफ्रेश किया था, याद है, कि जो एपीए की एएलपी या उसकी मेथोडोलॉजी है वो एपीए की एप्लीकेबिलिटी वाले फर्स्ट ईयर से लास्ट 4 इयर्स के लिए भी उस तरह के ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल बनाई जा सकेगी। याद है फ्रेंड्स रोलबैक मैकेनिज्म में लास्ट 4 इयर्स के लिए भी एपीए के एप्लीकेबल बनाए जाने का जो सिस्टम है वो हमने डिस्कस किया था। अब सुनिए सपोज इस एक्स लिमिटेड कंपनी ने ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में अर्लियर ईयर्स में लास्ट 4 इयर्स में भी एंटर कर रखा है, ओके, तो अब उस एपीए या उसकी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने से क्या हो रहा है, उन लास्ट 4 इयर्स में उस ट्रांजैक्शन के लिए अब हम मान रहे हैं कि सपोज 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ और 400 करोड़ रुपीस का जो एडिशन है वो रिक्वायर बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब एज अ होल अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ हो गया माय डियर फ्रेंड्स। वास्तव में उस एपीए की एएलपी और उसकी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने से लास्ट 4 इयर्स के बुक प्रॉफिट में जो एडिशन है वो ये रिक्वायर बन रहा है, लेकिन उन ईयर्स की बुक्स तो क्लोज हो चुकी होंगी, उन ईयर्स के बुक प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट कैसे प्रैक्टिकली कंपनी कर पाएगी जबकि उन ईयर्स की बुक्स तो क्लोज हो चुकी होंगी। किस ईयर की बुक्स ओपन होंगी, केवल करेंट ईयर की, है ना। तो करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट में जो एज अ होल इंक्लूजन है वो पास्ट ईयर की इन इनकम का हमें कंपनी के लिए देखने को मिलेगा। इससे कंपनी का करेंट ईयर का जो बुक प्रॉफिट है वो हैवी अमाउंट पर चला जाएगा, राइट ना फ्रेंड्स। जो ये पास्ट 4 इयर्स की इनकम और प्रॉफिट है ड्यू टू दिस एपीए, उन पास्ट 4 इयर्स की इन इनकम के इन प्रॉफिट के करंट ईयर के बुक प्रॉफिट में इंक्लूड किए जाने की वजह से करंट ईयर के बुक प्रॉफिट की जो फिगर है वो अनयूजुअल हो जाएगी, काफी हैवी हो जाएगी और वो मैट के लिए कंपैरेटिवली कंपनी ज्यादा लायबल नजर आएंगी। मैं यहाँ एज एन इलस्ट्रेटिव एक ही प्रीवियस ईयर जैसे 17-18 की बात करूं तो 17-18 की कहानी क्या थी, कंपनी का नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो रिटर्न्ड इनकम थी वो 200 करोड़ सपोज तब बन रही थी, ओके और उनका मैट प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बुक प्रॉफिट तब 50 करोड़ हुआ करता था उस साल के लिए जिसकी बुक्स अब क्लोज हुई पड़ी हैं। अब नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से 30% से कंपनी का टैक्स 60 करोड़ तब बना था, बुक प्रॉफिट पर मैट उनका केवल 7.5 करोड़ आया था। पक्की बात है कि उन्होंने 60 करोड़ रुपीस उस ईयर के लिए टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रखा है, राइट। अब अगर किसी वजह से इस एपीए की एप्लीकेबिलिटी की वजह से जो 100 करोड़ का प्रॉफिट इस प्रीवियस ईयर के लिए इंक्लूडेबल बनता है, अगर ये इसी प्रीवियस ईयर के बुक प्रॉफिट में अगर इंक्लूड किसी तरह से हो जाए तो आप देखो कितना हो जाएगा जो बुक प्रॉफिट है आफ्टर दिस इंक्लूजन, वो बुक प्रॉफिट की फाइनल फिगर केवल 150 करोड़ आएगी। अभी भी आप देख लो 15 करोड़ से जो टैक्स है वो केवल 22.5 करोड़ बनेगा, जबकि ये कंपनी 60 करोड़ देकर बैठी है। क्या इस कंपनी की प्रीवियस ईयर के लिए कोई टैक्स डिमांड बनेगी? द आंसर इज नो। लेकिन ये जो 100 करोड़ है ये इस साल के बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि इस साल की बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। तो ये 100 करोड़ करेंट ईयर की बुक्स ओपन है, करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट का ये जो 100 करोड़ है ये पार्ट बन जा रहा है और करेंट ईयर का बुक प्रॉफिट हैवीली इंक्रीज होने की वजह से जो मैट की डिमांड है वो कंपनी पर ज्यादा बने, बिल्कुल स्वाभाविक है। एंड यही जो थीम है वो इन 3 इयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। मतलब पॉइंट केवल इतना है कि एपीए की एप्लीकेबिलिटी की वजह से किसी ईयर के लिए जो बुक प्रॉफिट में इनकम इंक्लूडेबल बनती है वो उन ईयर्स के लिए इंक्लूड नहीं हो पा रही है क्योंकि उन ईयर्स की बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, करंट ईयर की बुक्स केवल ओपन है। तो वो सारी जो फिगर्स हैं एपीए के इफेक्ट से उन पास्ट ईयर्स की वो करंट ईयर के बुक प्रॉफिट का पार्ट बनने की वजह से कंपनी पर जो टैक्स डिमांड है वो मैट की काफी बन जा रही है। तो ये जो एक हार्डशिप है कि जिस साल से एट्रीब्यूटेबल है वो अमाउंट अगर उसी साल में इंक्लूड कर दिया जाए तो हो सकता है कि कंपनी पर जो टैक्स डिमांड है वो एज कंपेयर टू करेंट ईयर कम आए या ना ही आए, है ना। तो ऐसी बात पिक्चर में आ पाए इसके लिए लॉ मेकर्स ये अमेंडमेंट लेकर आए। उन्होंने एसएससी कंपनी के लिए ये ओपन रखा कि अब आप ईओ को रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे कि भाई मेरे पास्ट ईयर का जो बुक प्रॉफिट है उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको रिकम्प्यूट किया जाए, उससे आप 50 से 150 पर ले आए, आप मुझे सीधा उस 100 पर करंट का बुक प्रॉफिट बनाकर मैट न लगाए। मतलब एसएससी कंपनी अब रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ये होगी ड्यूटी होगी कि वो जिस ईयर में रेक्टिफिकेशन के लिए कंपनी ने अप्लाई किया उसे 4 इयर्स में रहकर रेक्टिफिकेशन को अंजाम दें। ये उनकी चॉइस नहीं है, उनके लिए मैंडेटरी है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट एक ये अमेंडमेंट लाइक हो गई, थोड़ी सी स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल से इसकी जो नीड है उसको क्विकली रिफ्रेश किया, ठीक है। और यही डिस्कशन जो हमने एपीए के लिए किया कि अगर एसएससी के द्वारा सेक्शन 92CC में एंटर किए गए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के रिजल्टेंटली अगर पास्ट ईयर की इनकम करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट में इंक्लूड होने से कंपनी के साथ हार्डशिप हो रही है, या सेक्शन 92C, याद करो ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने सेकेंडरी एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से अगर पास्ट ईयर की इनकम के करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट में इंक्लूड किए जाने से करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट की फिगर अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे केस में कंपनी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगी, राइट। और योगी ड्यूटी होगी कि वो विद इन 4 इयर्स यहां पर रेक्टिफिकेशन को अंजाम देगा। तो लॉ मेकर्स ने सबसेक्शन 2D से फ्रेंड्स कुछ लिमिटेशंस के साथ में इस तरह की जो बात है वो यहां पर लॉ में ला दी है। आइए जरा मैं रख देता हूं वो चीज अब आपके सामने एज अ होल, देखिए मैं इजी फॉर्म में रखता हूं चीज आपके लिए। तो अगर हमारी एसएससी जो कंपनी है उनका द प्रीवियस ईयर, द मतलब करेंट, ओके, तो मतलब कंपनी के केस में जहां करंट ईयर के बुक प्रॉफिट में हमें कोई इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि सेक्शन 92CC में सस्सी ने एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एंटर किया था, उसकी वजह से, या सेक्शन 92C में जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बनता है, उस सेकेंडरी एडजस्टमेंट की वजह से पास्ट ईयर और ईयर्स के इनकम के इंक्लूड किए जाने की वजह से अगर करंट ईयर का बुक प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एओ की ड्यूटी होगी कि वो एसएससी कंपनी की तरह एप्लीकेशन के दिए जाने पर उनके पास्ट ईयर और ईयर्स के बुक प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करे। अगर प्रीवियस ईयर 17-18 से एट्रीब्यूटेबल 100 करोड़ रुपीस का बुक प्रॉफिट, तो सीधा करंट ईयर का पार्ट बनाकर उस पर मैट की डिमांड ना निकाल दे, पास्ट ईयर और ईयर्स के बुक प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करें। और अगर कोई टैक्स पेबल आए तो वो एसएससी कंपनी के लिए बनाकर लाए इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स बता दूं कि बोर्ड ने इस रिलेशन में जो चीजें हैं, बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स इस रिलेशन में जो चीजें हैं वो रूल्स 10 आरबी में प्रेस्क्राइब कर रखी हैं। बोर्ड ने इस रिलेशन में जो चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, यस, वो रूल 10 आरबी में प्रेस्क्राइब कर रखी हैं। और यहाँ बेसिकली किस तरह की थीम है मैं आपको, चलो वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि बोर्ड ने किस तरह की जो थीम है वो वहां प्रिस्क्रिप्शन में बताई हुई है। बोर्ड ने बस ये कहा है कि आप जो वर्किंग करेंगे एओ कम्युनिटी के लिए मैसेज है कि वो किस तरह से किया जाएगा कि A-B-D-C। क्या मतलब है इस बात का कि भाई ए क्या है कि जो करंट ईयर का बुक प्रॉफिट है उसमें पास्ट ईयर का भी जो प्रॉफिट है उसको इंक्लूड करने के बाद में जो टैक्स बनेगा वो कहलाएगा ए, और करेंट ईयर के बुक प्रॉफिट में से पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हटाने के बाद में जो बचेगा उस पर जो मैट आएगा वो कहलाएगा बी। तो ये करेंट ईयर में जो पास्ट ईयर की इनकम इंक्लूड हुई है उन पर जो मैट है वो नेट आ गया, राइट। अब डी क्या है कि पास्ट ईयर के जो भी बुक प्रॉफिट रहे हैं, पास्ट ईयर के जो भी बुक प्रॉफिट रहे हैं, जैसे 17-18 का 50 करोड़ रहा, 18-19, 19-20, 20-21 के क्या रहे, है ना, वो जो भी पास्ट ईयर के बुक प्रॉफिट रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ दीज फिगर्स, ये जो एपीए के इफेक्ट से या सेकेंड एडजस्टमेंट के इफेक्ट से जो इंक्लूडेबल फर्दर सम बन रहे हैं, इनको इंक्लूड करने के बाद में पास्ट ईयर के जो भी बुक प्रॉफिट रहे हैं उन बुक प्रॉफिट पर पास्ट ईयर के हिसाब से जो भी इन फिगर्स को इंक्लूड करने के बाद में जो मैट बनता है वो बन गया यहां पर डी, वो बन गया फ्रेंड्स यहां पर डी, ठीक है। ये पास्ट ईयर के जो भी बुक प्रॉफिट थे उनमें नई फिगर को इंक्लूड करने के बाद में क्या डिमांड आ रही है। और सी क्या है कि पास्ट ईयर के जो बुक प्रॉफिट रहे हैं उन पास्ट ईयर के बुक प्रॉफिट पर बिना इन नई फिगर्स को इंक्लूड करने उनके जो भी मैट बन रहा था वो आप बना लो सी। तो इससे क्या आया, इससे जो नई फिगर्स हैं उनका पास्ट ईयर और ईयर्स के मैट रेट के हिसाब से जो मैट का अमाउंट है वो यहां पर ये निकल कर आ गया। बस अब क्या बचा, जो उन पास्ट ईयर्स की इनकम पर करेंट ईयर के मैट रेट वगैरह के हिसाब से जो नेट अमाउंट है वो आपने निकाल दिया, राइट माय डियर फ्रेंड्स, वो आपने यहां पर निकाल दिया। और इसके अलावा आपने जो पास्ट ईयर की इनकम पर पास्ट ईयर के मैट रेट वगैरह से जो उनका मैट बनता है वो निकाल दिया। अब यहां ये जो डिफरेंस आ रहा है ये करेंट ईयर के मैट रेट के हिसाब से जो उन पास्ट ईयर की इनकम का जो ज्यादा टैक्स बर्डन कंपनी का बन रहा है वो यहां पर नेट निकल कर आ जाएगा। उससे एओ डिमांड का पार्ट नहीं बनाएगा, उसकी कंपनी पर एओ डिमांड नहीं रेस करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये शॉर्ट में जो रूल 10 आरबी है वो मैंने इस रिलेशन में जो प्रेस्क्राइब्ड हुआ है वो आपको यहां पर रेफरेंस कराया है। हालांकि आप केवल अभी इतना कंसिडरेशन में लेकर चलिए कि पास्ट ईयर की इनकम के इंक्लूड किए जाने से अगर करेंट ईयर का बुक प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है तो ऐसे केस में कंपनी की एप्लीकेशन पर एओ पास्ट ईयर के बुक प्रॉफिट को रिकम्प्यूट करेगा। इसके लिए प्रोवाइडेड एसएससी कंपनी ने अप्लाई किया हो और एओ की ड्यूटी होगी कि वो एप्लीकेशन वाले ईयर से 4 ईयर्स में रहकर रेक्टिफिकेशन को अंजाम देगा, ठीक है, जो भी पास्ट ईयर की न्यूली इंक्लूडेबल फिगर पिक्चर में आई है ड्यू टू एपी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट, उन न्यूली इंक्लूडेबल फिगर पर करेंट ईयर के मैट रेट से नेट टैक्स कितना बन रहा है और पास्ट ईयर और ईयर्स के मैट रेट के अकॉर्डिंगली नेट कितना मैट बन रहा है। जो भी करेंट ईयर का मैट ज्यादा निकल कर आ रहा है उन पास्ट ईयर से एट्रीब्यूटेबल इनकम पर उस एक्सेस मैट वर्डन को एओएस डिमांड रेज नहीं करेगा, वो कंपनी को उसे पे करने के लिए रिक्वायर नहीं बनाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में फ्रेंड्स ये जो रूल 10 आरबी है वो यहाँ पर केवल रिफ्रेश कराया है, ठीक है। और ये तो आप जान ही चुके हैं रेक्टिफिकेशन के जो प्रोविजंस हैं, 4 इयर्स का जो पीरियड है वो कैसे रेकॉर्ड वाले स्टार्ट होगा उस ईयर से जिस ईयर में कंपनी ने अप्लाई रेक्टिफिकेशन के लिए किया होगा। अब कुछ बड़ी स्पेसिफिक सी जो बातें हैं फ्रेंड्स, ये जो सबसेक्शन 2D के प्रोविजंस हैं ये केवल तभी अप्लाई होंगे ना जब एसएससी ने अगर पास्ट ईयर और ईयर्स में कोई उनका मेट क्रेडिट अगर बन रहा था तो वो उन्होंने ऑलरेडी लेना रखा हो, उन्होंने किसी सब्सिक्वेंट ईयर में अपने पास्ट ईयर का अगर कोई मेट क्रेडिट अगर अवेलेबल हो रहा हो तो वही अवेल ना कर रखा हो। और वैसे तो हम ये फाइनेंस एक्ट 2021 से मतलब असेसमेंट ईयर 2020 हम वैसे तो ये फाइनेंस एक्ट 2021 से मतलब हम असेसमेंट ईयर 21-22 से ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन चलो पास्ट ईयर में असेसमेंट ईयर 2021 या उससे भी पहले का अगर कोई ईयर है तो उसके लिए भी आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर आपका कोई रिफंड बनेगा और उस पर आप चाहोगे इंटरेस्ट भी मिल जाए तो उसकी उम्मीद मत रखना, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है जो यहां पर कही गई है, ठीक है। तो एक तो आपने उन पास्ट ईयर्स में अगर कोई मेट क्रेडिट आपका बन रहा है तो वो ना ले रखा हो, और दूसरा अगर पास्ट ईयर में आपका रिफंड बन रहा है तो उस पर आपको हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। इतनी सी बात है जो यहां पर बस इस रिलेशन में आपने कंसिडरेशन में और लेकर चलनी है। आई होप ये वाला जो नया इंसर्शन है वो भी आपको रिफ्रेश हो गया होगा, ठीक है। और आइए मैं अब आपके सामने कुछ और चीजें रख देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात 115 जेबी में जहां मैट के प्रोविजंस हमें गिवन है वहीं पर एक सबसेक्शन 5 दिया है लॉ मेकर्स ने, जिससे उन्होंने मैट के जो ये प्रोविजंस आपने देखे पहले ही लाइन में आपने देखा था कि एक्ट के बाकी प्रोविजंस को रूल कर देते हैं, लेकिन सपोज कंपनी ने अगर कोई वायलेशन किया जिसके लिए उन्हें पेनल्टी लगनी है या उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज से ज्यादा है तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करना है, नहीं पे किया तो 234BC का इंटरेस्ट लगना है, तो वो तो लगे ना। और ऐसा हो सके इसके लिए लॉ मेकर्स ने कहा कि इस 115 जेबी में जो भी हमने अदरवाइज प्रोवाइड कर रखा है उसको तो सेव करते हुए, उसको ओवररूल किए बिना ऑल अदर प्रोविजंस जैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के प्रोविजंस हो गए या इंटरेस्ट एडवांस टैक्स वगैरह वाले प्रोविजंस हो गए, तो वो सारे जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया कि अगर कंपनी मैट पे करने के लिए लायबल है स्टिल उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा, और अगर नहीं दिया तो वो 234BC के इंटरेस्ट के लिए लायबल कहलाएंगी। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस पॉइंट पर बेस्ड भी दिया जा चुका है, रॉयल्टा इंडिया लिमिटेड का केस आपको रिकॉल हो गया होगा। लेकिन अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इसी रिलेशन में जो और डिस्कशन के लिए बात बनती है उसमें ले चलता हूं। देखिए लॉ क्या कहता है कि इस सेक्शन में 115 जेबी में हमने जो अदरवाइज दे दिया उसको तो ओवररूल किए बिना जो भी एक्ट के ऑल अदर प्रोविजंस हैं हम उन ऑल अदर प्रोविजंस को भी यहां मेट वाली कंपनी पर एप्लीकेबल बना रहे हैं, राइट। अब यहां इसकी इंटरप्रिटेशन मद्रास हाईकोर्ट ने किस तरह से ली हुई है मुझे वो चीज आपके सामने यहां पर रखनी है। देखिए सबसे पहले जो रीजनेबल बनता है वो क्या बनता है कि अगर आप किसी कंपनी का बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो आप उसे बिजनेस प्रॉफिट तक कन्फाइन नहीं कर सकते। अगर कंपनी के पीएनएल में कोई अदर हेड की इनकम क्रेडिटेड है लाइक जैसे कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज वगैरह हो गया, तो वो नेट प्रॉफिट का पार्ट बनी हुई है तो आप बने रहने देंगे, आप उसे रिड्यूस नहीं करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुक प्रॉफिट शैल बी डीम टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। आप उसे टोटल इनकम के एट पार रखेंगे, बुक प्रॉफिट को बिजनेस प्रॉफिट तक कन्फाइन नहीं करेंगे। अदर हेड की इनकम अगर कोई पीएनएल में क्रेडिटेड है, बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का पार्ट बनी हुई है तो आप उसे बने रहने देंगे, उसे आप एक्सक्लूड नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि बुक प्रॉफिट का मीनिंग एग्जॉस्टिव है। रिडक्शन की लिस्ट में अदर हेड की इनकम का कोई एक्सक्लूजन गिवन नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अगर हमारी एसएससी कंपनी को कोई सेक्शन 54 से 54जीबी में एग्जामिनेशन मिलनी है, चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलनी है, तो आप बुक प्रॉफिट निकालने के लिए उन्हें यहां पर लेस नहीं करेंगे। डॉक्टर इनफैक्ट एनजे जोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में केरला हाईकोर्ट ने इस तरह की रीजनेबल थीम अडॉप्ट की। लेकिन जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा केस गया जहां एसएससी कंपनी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम अर्न की थी और उससे 54 ईसी के जो एलिजिबल बॉन्ड्स है, याद है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वगैरह वाले बॉन्ड्स, उनमें इन्वेस्ट करके 54 ईसी की एग्जामिशन को बुक प्रॉफिट से क्लेम कर लिया। डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया तो मद्रास हाईकोर्ट तक मैटर पहुंच गया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि 115 जेबी कहता तो है, उसमें सबसेक्शन 5 इसीलिए तो दिया गया है कि एक्ट के जो ऑल अदर प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे। उन्होंने कहा कि जब वहां लिखा है कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई, तो मतलब अदर प्रोविजन में 54 ईसी भी आ गया, वो भी अप्लाई होगा। उन्होंने सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन को किस तरह से इंटरप्रेट किया कि अगर स्पेसिफिकली किसी प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी अगर बार की जाएगी, 115 जेबी में रेस्ट्रिक्टेड रखी जाएगी, तो वो अप्लाई नहीं होगा। जिसके लिए कुछ नहीं किया गया, कहा गया है, वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा। अरे मद्रास हाईकोर्ट ने जो थीम फ्रेंड्स अडॉप्ट की हुई है वो ये थीम अडॉप्ट की हुई है। लेकिन चलो पहले मैं वो मेटल एंड क्रोमियम लेटर प्राइवेट लिमिटेड का मद्रास हाईकोर्ट का केस आपको दिखा देता हूं, जहां उन्होंने सबसेक्शन 5 को किस तरह से इंटरप्रेट किया कि वो अलाउ करता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑल अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आईटी एक्ट स्पेसिफिकली बार्ड बाय दैट सेक्शन इटसेल्फ, कि जो उस सेक्शन में स्पेसिफिकली मना किया जाएगा ये अप्लाई नहीं होगा तो वो नहीं होगा, बाकी बाय डिफॉल्ट सारे एप्लीकेबल होंगे। तो बुक प्रॉफिट में अगर कोई बेनिफिट एक्ट में अदरवाइज मिलना है तो वो दिया जाएगा। कैपिटल गेन बुक प्रॉफिट का जो पार्ट बनने जा रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट में जो इंक्लूड हो रखा है, जिसके लिए एग्जामिशन अवेलेबल है, उससे हम फाइनल टैक्सेबल बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनने देंगे। वो मैट के लिए लायबल बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। जबकि लॉ मेकर्स ने अगर कह दिया कि बुक प्रॉफिट मींस और रिडक्शन की लिस्ट में 54 की किसी एग्जामिशन का जिक्र नहीं किया तो मतलब नहीं मिलनी है। मद्रास हाईकोर्ट कहते हैं कि भाई इस मतलब जो स्पेसिफिकली बार किया जाएगा वो बस अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब अप्लाई होंगे। अरे लॉ मेकर्स ने कह दिया बुक प्रॉफिट मींस, इसका मतलब क्या कि लॉ मेकर्स ने जो बुक प्रॉफिट के मीनिंग को लेकर दिया वो फाइनल हो गया, बाकी सब कुछ बाय डिफॉल्ट या इनडायरेक्टली बार है ना, बाय डिफॉल्ट बाकी सारी जो चीजें हैं उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि मीनिंग एग्जॉस्टिव सेंस में देने का मतलब तो यही है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि नहीं 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 स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए 54 ईसी नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे बुक प्रॉफिट में, अदरवाइज लगाएंगे। तो आपने एग्जाम के लिए क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्जाम के लिए जो लिटरल इंटरप्रिटेशन बनती है कि बुक प्रॉफिट का मीनिंग एग्जॉस्टिव है, उसमें कहीं पर भी 54 की किसी एग्जामिशन के रिडक्शन की परमिशन नहीं है, बोर्ड का तब सर्कुलर भी आया था, और एनजे जोस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में केरला हाईकोर्ट की जजमेंट भी है कि कोई एग्जामिशन या चैप्टर 6 की डिडक्शन आप बुक प्रॉफिट से लेस नहीं करोगे। तो आप पहले तो ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से दोगे, कोई एग्जामिशन नहीं दोगे 54 ईसी जैसी। लेकिन फिर आप ऑल्टरनेटिव व्यू में एक चीज देकर आओगे कि रिसेंटली एक जजमेंट में जुडिशरीज ने ये व्यू भी अडॉप्ट किया है कि 54 ईसी की एप्लीकेबिलिटी को स्पेसिफिकली बाहर नहीं किया गया है, तो कोई भी ऐसा प्रोविजन जिसे स्पेसिफिकली 115 जेबी में बाहर ना किया गया वो अप्लाई होगा। तो बुक प्रॉफिट 54 ईसी की एग्जामिशन के लिए एलिजिबल कहलाएगा। एंड इन व्यू ऑफ दैट रूलिंग आवर आंसर विल गेट चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली 54 ईसी के एग्जामिशन से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पूरी वर्किंग करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आवर आंसर विल गेट चेंज अकॉर्डिंगली। इस तरह से आप वहां पर एक ऑल्टरनेटिव व्यू में इस मेटल एंड क्रोमियम प्लेटर प्राइवेट लिमिटेड की मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का भी जो जिक्र है वो करके आ जाएंगे, राइट। तो एक ये जो रूलिंग है वो आपने कंसिडरेशन में और लेनी है। तो मैट से रिलेटेड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीजें थी वो हमने सब्सटेंशियली रिफ्रेश कर लिया। चाहे एक दो छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं वो भी रिकॉल कर लीजिए क्विकली। देखो, मैट वाली जो कंपनी है उनको सीएस एक रिपोर्ट लेनी होती है और उसे रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर दैट इज 30 सितंबर तक फर्निश करना भी रिक्वायर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए क्या किया गया, अगर कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से जो इनकम हो रही है वो मैट के लिए लायबल नहीं होगी। हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम को बुक प्रॉफिट निकालने के टाइम पर आउट कर देंगे क्योंकि स्पेसिफिकली हमें इसके लिए कहा गया है। और मैट के साथ ये कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ मैट क्रेडिट। यस, मैट क्रेडिट रिकॉल कीजिए प्लीज। एक्चुअली मैट क्रेडिट मतलब क्या कि अगर किसी कंपनी ने मैट पे किया है मतलब उसका नॉर्मल टैक्स पेबल कम रहा होगा। पक्की बात है फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी ने मैट अगर पे किया है तो उनका नॉर्मल टैक्स पेबल पक्की बात है कि कम रहा होगा। तो वो उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा वर्डन बियर किया होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि किसी कंपनी का सपोज मैट बन रहा है 1 लाख रुपीज और उनका नॉर्मल टैक्स पेबल बन रहा था केवल 10,000 रुपीज, तो उन्होंने पक्का 1 लाख रुपीज पे किया होगा। तो अब उन्होंने इसमें क्या किया है, 90,000 रुपीज का एक्स्ट्रा वर्डन बियर किया है। तो उस 90,000 रुपीज का उनको जो क्रेडिट है वो अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट 15 ईयर्स में वो ये क्रेडिट ले सकेंगे। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर ईयर में क्रेडिट देने की जब बात आएगी, सपोज नेक्स्ट ईयर में ही मान लेते हैं उनका नॉर्मल टैक्स पेबल बन रहा है 1,20,000, राइट। उनका नेक्स्ट ईयर में ही सपोज नॉर्मल टैक्स पेबल बन रहा है 120 और उनका मैट बन रहा है 80,000। तो आपने भली 90,000 रुपीज का एक्स्ट्रा वर्डन बियर कर रखा है, आप पूरा एडजस्ट नहीं करने लग जाओगे कि 120 में से 90 रोक लेते हैं केवल 30 पकड़ा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऐसे नहीं। मैट मतलब एट अ मिनिमम आपको ये तो देना ही देना है। ओके, तो मतलब इस केस में जो क्रेडिट है वो आप मैट से जितना ज्यादा पे करने की स्थिति में हो आप उतना रिटेन कर सकते हो, मतलब क्रेडिट ले सकते हो। बाकी आपका जो बच गया आप उस अमाउंट को सब्सिक्वेंट ईयर में एडजस्ट कर लेना। लेकिन हम आपको किसी भी ईयर में मैट से ज्यादा क्रेडिट नहीं लेने देंगे और हम आपको मैट का क्रेडिट दे रहे हैं इतना ही बहुत है, उस पर इंटरेस्ट का ख्वाब मत देखना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो एक ब्लंडर था उसको रोका गया। आइए जरा मैं वो वाली चीज आपको और अच्छे से रिफ्रेश करा देता हूं। देखिए, हमारी एसएससी कंपनी कोई एक्स लिमिटेड है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में सपोज उन्होंने कोई फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमाई, उस पर फॉरेन कंट्री में वो टैक्स भी देकर आई, तो उन्हें उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट दैट इज डबल टैक्स एंड रिलीफ मिलनी है। अच्छा, अब इस एक्स लिमिटेड की नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी केवल 1 करोड़ है और इनका मैट सपोज बन रहा है 50 करोड़। तो एपरेंटली मैट और नॉर्मल टैक्स पेबल व्हिचएवर इज हायर उनका पेबल सम है। लेकिन उन्होंने 45 करोड़ का अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया है तो उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट मतलब डबल टैक्स एंड रिलीफ के लिए वो हकदार है। उनका फाइनल पेबल सम केवल कितना बनेगा, 5 करोड़। उन्होंने कितना पे किया, 5 करोड़। लेकिन अब बारी है आगे मैट क्रेडिट लेने की। लॉ कहता है कि क्रेडिट किसका मिलेगा, मैट माइनस नॉर्मल टैक्स पेबल। तो इस हिसाब से तो उन्हें मैट क्रेडिट अपकमिंग ईयर्स में 49 करोड़ का मिल जाना चाहिए। मतलब पे किया केवल 5 करोड़ और मैट क्रेडिट वो ले पाएंगे 49 करोड़ का। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है कि मैट क्रेडिट किसका मिलेगा, मैट दैट इज 50 करोड़ इन अवर एग्जांपल माइनस टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस दैट इज 1 करोड़ इन अवर एग्जांपल। तो 50 माइनस 1 दैट इज 49 करोड़ का जो मैट क्रेडिट है वो उन्हें मिल जाना चाहिए। अब आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला था केवल 5 करोड़ और वो आगे 15 ईयर्स में सस्ती कंपनी क्रेडिट ले पाएंगी कितने का, 49 करोड़ का। एक्चुअली ये अनड्यू बेनिफिट कंपनी को रोकने के लिए लॉ मेकर्स कमिटमेंट लेकर आए और उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया कि अब जरा अगर मैट नहीं होता तो कंपनी अपने फॉरेन टैक्स में से क्रेडिट कितने का ले पाती, केवल 1 करोड़ तक का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाहर आप टैक्स पे करके आओगे ज्यादा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए रिफंड चेक बनाने लग जाए, ऐसा तो है नहीं। वो तो मैट आपका 50 था जिसकी वजह से आप पूरा 45 करोड़ का क्रेडिट एंजॉय कर पाई। तो हमने आपके मैट की वजह से अगर आपको 44 करोड़ का अगर एक्सेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट परमिट कर दिया तो हम आपको उस 44 करोड़ तक अगेन फॉरेन टैक्स क्रेडिट फर्दर नहीं लेने देंगे। हम जिस 44 करोड़ का आपको अगेंस्ट योर मैट लायबिलिटी अगर एक्सेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे चुके हैं तो हम उस हद तक आपको अगेन मैट क्रेडिट नहीं लेने देंगे। आप इसमें से उस 44 करोड़ को हटाओ, जो आपका रिजल्टेंट फिगर 5 करोड़ आएगा, इसका आप हमसे आगे मैट क्रेडिट ले जाओ, हम आपको दे देंगे। राइट, और बिल्कुल देखो सही भी हो गया। यस, क्या आपने 5 करोड़ पे किया था, आगे आपको क्रेडिट भी आपके 5 करोड़ का मिल पा रहा है। ठीक है, ये फाइनली अलाइबल मेट क्रेडिट यहां पर कहलाएगा। राइट, आइए देखिए जरा, यही अप्रोच जो यहाँ पर अडॉप्ट की गई है। तो अगर कोई कंपनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए इंटाइटल्ड है जो मैट के अगेंस्ट में उन्हें अलाउ हो रहा है, तो मैट क्रेडिट उन्हें एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक अलाउ आगे नहीं किया जाएगा। वो एक्सटेंट क्या है, उनका फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड अगेंस्ट मैट कितना है, हमारे एग्जाम्पल में पूरा 45 करोड़ माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाइबल अगेंस्ट टैक्स कंप्यूटेड अंडर नॉर्मल प्रोविजन, जो केवल 1 करोड़ था। तो अब जो रिजल्ट आया 44 करोड़ का, उस हद तक उन्हें मैट क्रेडिट आगे अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, आई होप आपको मैट क्रेडिट की ये पूरी स्कीम रिकॉल हो गई होगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैट को लेकर हमें डिस्कशन करना था, वो हमने एज अ होल यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो मैट की एप्लीकेबिलिटी, मैट के बेस बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन, उसको लेकर सारी अमेंडमेंट्स, मैट से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैट क्रेडिट, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैट के सेम लाइन पर माय डियर फ्रेंड्स, जो नॉन कॉर्पोरेट एसोसिएट्स के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, आइए जरा अब उसकी बात हो जाए। राइट, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं एएमटी के कॉन्सेप्ट में। जैसे कंपनीज के लिए मिनिमम टैक्स का पेमेंट रिक्वायर करने वाले मैट प्रोविजंस आपने देखे, वैसे ही लॉ मेकर्स ने सेक्शन 115JC में नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस है वो दे रखे हैं। यस, और वहां भी आप क्या करेंगे, आप आपकी एसएससी, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, मान लिया हमने PQRN कंपनी, राइट, कोई भी कंपनी को छोड़कर जो भी एसएससी है, उनका आप रेगुलर टैक्स पेबल चेक करोगे, मतलब उनका नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कंप्यूट की गई टोटल इनकम पर जो टैक्स बनता है, अगर सरचार्ज के ब्रैकेट में वो आ रहे हैं तो सरचार्ज आप साथ में रखोगे, सेस तो एवरग्रीन है तो वो तो आप ऐड करोगे ही करोगे। ये हो गया हमारे एसएससी का पेबल सम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। एंड जैसे मैट का बेस बुक प्रॉफिट था ना, वैसे ही एएमटी का बेस एडजस्टेड टोटल इनकम है, आप उसका 18.5% निकालोगे। एडजस्टेड टोटल इनकम भी टोटल इनकम मान ली जाती है, तो अगर उसके बेस पर हमारे एसएससी अगर सरचार्ज के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो सरचार्ज भी ऐड करोगे, सेस एवरग्रीन है ऐड होगा ही होगा। ये हो गया उनका पेबल सम अंडर एएमटी प्रोविजन। अगर उनका नॉर्मल टैक्स उनके एएमटी से कम है, तो एएमटी मतलब एट मिनिमम आपको ये तो पे करना ही है। उस केस में जो आपकी एएमटी प्रोविजंस में लायबिलिटी बनी, वही आपका फाइनल पेबल सम कहलाएगा। जैसे आईएफएससी वाली कंपनी के लिए मैट रेट 9% था, बिल्कुल सेम लाइन पर अगर हमारे एसएससी दैट इज नॉन कॉर्पोरेट पर्सन आईएफएससी में लोकेटेड हैं और वो सोलली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इनकम डिराइव कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एएमटी का रेट बजाय 18.5% की केवल क्या कहलाएगा, दैट इज 9%। माय डियर फ्रेंड्स, एडजस्टेड टोटल इनकम जो बेस है एएमटी का, आइए कैसे आप उसे निकालेंगे, बहुत बहुत आसान है। आपको एग्जॉस्टिव सेंस में उसका मीनिंग दिया गया है। आप सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो भी आपके एसएससी की टोटल इनकम है, आप वो रखिए, और उसमें 3 सिलेक्टेड एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने हैं। अगर कोई 80 आईएएस से 80 आरआरबी एक्सेप्ट 80 पी को छोड़कर 80 आईएएस से 80 आरआरबी की कोई भी डिडक्शन अगर क्लेम्ड है, रिवर्स इट। 10AA में अगर कोई डिडक्शन क्लेम की गई है, तो आप उससे भी यहां रिवर्स करेंगे। और सपोज हमारी एसएससी मान लेते 35 एडी का कोई एलिजिबल बिजनेस रन कर रही हैं, उन्होंने कोई एसेट अपने बिजनेस में खरीदी जिसकी 35 एडी में कॉस्ट उन्होंने एज डिडक्शन क्लेम कर ली, तो हम पूरी ना सही लेकिन उससे भी रिवर्स कराएंगे। क्या रिवर्स आपको उस केस में करना होगा, जो भी 35 एडी में आपने डिडक्शन क्लेम की है, आप उसमें से अगर उस असेट की कॉस्ट 35 एडी में क्लेम नहीं करते, तो आपको डेप्रिसिएशन तो नॉर्मली अलाइवेबल बनता ना, तो जो भी नोशनल डेप्रिसिएशन आपको इन एब्सेंस ऑफ 35 एडी अलाइवेबल बनता, चलो आप वो एडजस्ट कर लो। उसके बाद जो बचेगा वो आप यहाँ पर एक्सेस पोर्शन जो भी बच रहा है, वो एक्सेसिव बेनिफिट ड्यू टू 35 एडी जो आपको मिल रहा है, वो आप यहाँ पर चलो केवल रिवर्स कर लो। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन में मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पर ये सारी चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगी। वैसे तो आप इनके एप्लीकेशन से वेल अवेयर अदरवाइज भी मैं उम्मीद करता हूं होंगे, क्योंकि ये तो रिवीजन सेशन है फ्रेंड्स। यहाँ तो चीजें आपको एक क्लियर रिफ्रेश बस करते चलिए। तो आपको ये तीन सिलेक्टेड एडजस्टमेंट्स हैं जो एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए यहाँ करने होते हैं। और पता नहीं आपने एडजस्टेड टोटल इनकम सही से निकाली या नहीं निकाली है, तो इसका सर्टिफिकेशन आपको सीए से कराना होगा। और रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर जो रिपोर्ट है वो फर्निश होनी चाहिए। जैसे मैट के साथ मैट क्रेडिट था, वैसे एएमटी के साथ एएमटी क्रेडिट है। सेम टू सेम प्रोविजन जो आपने मैट क्रेडिट के अभी थोड़ी देर पहले देखे वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब एक अच्छा जो सेक्शन है इस एएमटी चैप्टर का, मैं वो अब आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। बेसिकली हमें तो ये फीलिंग आ रही थी कि ये जो एएमटी के प्रोविजन है ये तो एनी पर्सन, शायद सैलरीड पर्सन वगैरह पर भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखिए एएमटी के बेस दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए, एएमटी के बेस दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए हमें इन्हें एडजस्ट करना है। तो ऐसा कुछ एसएससी के केस में हो तो सही, तभी तो उसे अप्लाई करना अच्छा लगेगा ना। तो लॉ मेकर्स ने माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 115JE जो दिया है, मैं पहले आपको उस पर ले आया हूं, 115JE पर मैं आपको पहले ले आया हूं कि ये जो एएमटी चैप्टर के प्रोविजंस है ना, ये केवल तभी अप्लाई होंगे जब एसएससी ने सेक्शन 80I से टेरर बी, एक्स-20P, 10AA और या 35AD में से कोई डिडक्शन क्लेम की हो। जिसने ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम की नहीं है उसे एएमटी की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। चलो हमारे एसएससी सपोज कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, वीआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और उन्होंने ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम की भी है, मान रहे हम, अच्छा तो फिर मतलब एएमटी लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चेक करेंगे क्या हमारे एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, वीआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड कर रही है क्या। अगर 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रही तो भी मैं एएमटी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो कब एएमटी के ब्रैकेट में वास्तव में ये इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी आएंगे तब जब उनकी टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से क्रॉस भी कर रही होगी। ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर ने सपोज एलएलपी का केस दे दिया और उन्होंने ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम की है, राइट, उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम की है और उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, क्या एएमटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड है ये केवल और केवल इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, वीआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए है, राइट। और लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं कि ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ये किसी ईयर में आप पर एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एएमटी की चार्जेबिलिटी के लिए आप चेक करना, किसी ईयर में एएमटी का क्रेडिट मिलना है तो वहां ये कंडीशन टांग नहीं अड़ाएंगी क्रेडिट मिलने में। तो क्रेडिट तो लिया ही जा सकता है, चाहे भले ही 115JE की जो लिमिटेशंस हैं वो एप्लीकेबल हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इररेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर किसी ईयर में एसएससी ने इस तरह की कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है और उन्हें तो उस ईयर में एएमटी देना नहीं है, दे तो वो पहले चुके हैं, उस ईयर में तो उन्हें एएमटी का क्रेडिट मिलना है, तो वेलिड बिल्कुल मिलेगा। तो ये कंडीशन केवल और केवल किसके लिए? चार्जेबिलिटी के लिए। बाकी बैकग्राउंड वगैरह से, एग्जांपल वगैरह से रेगुलर बैच का डिस्कशन है, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा रेफरेंस आपको हो गया होगा। और जैसे मैट के प्रोविजंस में आपने देखा वैसा ही यहाँ पर भी है कि जो एएमटी प्रोविजंस में दी गई चीजें उनको सेव करते हुए एक्ट के बाकी जो भी प्रोविजंस है, जैसे वो एडवांस टैक्स हो गया है ना, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वगैरह हो गए, वो नॉर्मल है, वो अपनी जगह पर नॉर्मली एप्लीकेबल बनेंगे। तो एएमटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं उम्मीद कर रहा हूँ एज अ होल आपको रिफ्रेश हो गया होगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और आइए कुछ छोटे-छोटे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो आपको और रिकॉल करा देता हूं। तो हमने अभी तक माय डियर फ्रेंड्स मैट और एएमटी को रिफ्रेश कर लिया। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और मैं बायबैक ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ आपके एग्जाम के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा रेलिवेंट है वो आपको रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले जो चार्जिंग नेचर की थिंग्स 115 क्यूए में रिलेशन में गिवन है। अब तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, यस, चाहे लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी हो, अगर अपने शेयर्स का बायबैक करेगी तो ये सेक्शन एप्लीकेबल बनेगा जहां कंपनी पर टैक्स लगेगा। किस पर? जो अपने शेयर होल्डर को वो एक्सेस पेमेंट कर रही है उस पर। मतलब शेयर होल्डर से उन्होंने जब शेयर इशू किया था तो क्या लिया था और अब वो बायबैक पर शेयर होल्डर को क्या दे रही है, ठीक है। हाँ, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कहलाएगी जिस पर कंपनी को ये टैक्स लगाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज कोई एक्स लिमिटेड कंपनी अमलगमेटेड कंपनी है, ठीक है, उनके साथ जब किसी वाई लिमिटेड कंपनी का अमलगमेशन हुआ था तो वाई लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उन शेयर होल्डर्स को एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर्स एज ए कंसीडरेशन अलॉट किए थे, राइट उन शेयर होल्डर से एक्चुअली पैसा किसने लिया होगा? अमलगमेटिंग कंपनी ने अपने शेयर्स जब अलॉट किए होंगे। अब उस कंपनी का जब अमलगमेशन हुआ तो अमलगमेटेड कंपनी को एज अ कंसीडरेशन अपने शेयर्स इन शेयर होल्डर को अलॉट करने पड़े। कल को ये एक्स लिमिटेड कंपनी इन शेयर्स का अगर बायबैक करेंगी तो उन्हें रिडक्शन किसका मिलेगा? उन्हें तो शेयर होल्डर से सिंगल पेनी भी रिसीव नहीं हुआ, तो क्या निल का रिडक्शन दोगे? नहीं। ऐसे केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से लिया था वो अमलगमेटेड कंपनी की रिसीट मान ली जाएगी, उनको रिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज पिक्चर में आ सके इसके लिए बोर्ड को पावर दी गई कि आप थिंग्स प्रेस्क्राइब कर सकेंगे और ये जो रिडक्शन वाला अमाउंट है वो प्रेस्क्राइब मैनर में डिटरमाइन किया जाएगा। और रूल 40BB में इस तरह की वेरियस सर्कमस्टेंसेस जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिसका मैंने केवल एक छोटा सा पार्ट, एक इलस्ट्रेटिव सेंस में जो चीजें हैं कि वो इस तरह की चीजें वो रखी क्यों गई हैं, बस उसके लिए आपके सामने प्रेजेंट किया। ये बोर्ड ने वेरियस सर्कमस्टेंसेस जहां थिंग्स प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, जिसमें से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा कि भाई अमलगमेशन के केस में अमलगमेटेड कंपनी के लिए रिसीट क्या मानी जाएगी ऑन इश्यू ऑफ इट्स शेयर्स, जो अमलगमेटिंग कंपनी को अपने शेयर होल्डर से कभी रिसीव हुई होगी, है ना। उस तरह की चीजें प्रेस्क्राइब्ड है, रेगुलर बैच का पार्ट एंड पार्सल है, एज अ होल उस रूल पर डिस्कशन। लेकिन बस इस चीज को लेकर आपके मन में अदरवाइज ना बना रहे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन आपके साथ इसको लेकर किया, ठीक है। जनरल सेंस में अमाउंट रिसीव्ड का मतलब किससे लिया जाता है? तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है वो जनरली यहाँ पर रिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, चलो कंपनी ने मान लेते हैं रिसीव किया था 100 लाख, दे रही है 150 लाख, 50 लाख की डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी। टैक्स बताओ किस रेट से लगेगा? तो 20% टैक्स, 12% फ्लैट सरचार्ज, 4% सेस, मतलब फाइनल और इफेक्टिव रेट बनता है 23.296। और देना कब तक है ये टैक्स? विद इन 14 डेज। जब आप बायबैक पर कंसीडरेशन दोगे उससे 14 डेज में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा कराना है। नहीं कराया तो ना सिर्फ कंपनी बल्कि उनके प्रिंसिपल ऑफिसर भी, लॉ मेकर्स ने 15th डे से जब तक उस टैक्स को जमा नहीं करा देते 1% पर मंथ पार्टनर की रेट से इंटरेस्ट के लिए लायबल बना दी है। और इसके अलावा वो असेसिन डिफॉल्ट भी कहलाएंगे। अकॉर्डिंगली जो असेसिन डिफॉल्ट वाले कॉन्सिक्वेंस है ना, याद करो सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 का इंटरेस्ट, 221 की पेनल्टी, डिफॉल्टेड टैक्स तक की जगह जगह पर जो रेगुलर बैच में हम डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर पिक्चर में और आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, जो सेक्शन 115 क्यूसी में जिस तरह की चीज है वो यहाँ पर और हमें देखने को मिल सकेगी। अब अगर आपने ऑलरेडी कंपनी से ही उस डिफरेंस पर अगर टैक्स ले लिया तो उनके शेयर होल्डर को अगेन टैक्स करेंगे, ठीक नहीं लगेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ इस केस में, इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्सेबिलिटी आएगी बेसिकली वो शेयर होल्डर के हैंड्स में अराइज नहीं होगी। शेयर होल्डर को लॉ मेकर्स ने एग्जेम्पशन दे दी है सेक्शन 1034A में। लॉ मेकर्स ने सेक्शन 1034A में शेयर होल्डर को एग्जेम्पशन दे दी है कि भाई आपको कंपनी जब अपने शेयर्स का बायबैक करेगी तो उस टाइम पर जो भी गेन होगा वो आपके हैंड्स में एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बायबैक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर और डिस्कस कर ली है, ओके। अच्छा फाइनली मुझे आपके साथ में अब जो डीम्ड इनकम का टैक्सेशन है, या मैं यूं कहूं कि जो ब्लैक मनी का टैक्सेशन है वो डिस्कस और करना है, यस। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें डीम्ड इनकम की, तो मैं वो डीम्ड इनकम पहले आपके नोटिस और नॉलेज में ले आता हूं, जिन पर बेस्ड ये जो टैक्सेशन वाला सेक्शन 115BB एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइए एक एक करके क्विकली पहले जो डीम्ड इनकम है वो हम रिफ्रेश कर लेते हैं और उसमें शुरुआत करते हैं सेक्शन 68 से, राइट। एक्चुअली सपोज एसएससी की बुक्स में कोई क्रेडिट एंट्री देखने को मिली, एओ ने कहा एक्सप्लेन इट, एसएससी उसके नेचर एंड सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या इधर उधर की बातें बनाता है, मतलब एओ के सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, तो फिर वो जो भी क्रेडिटेड सम है वो एसएससी की इनकम कहलाएगी कि आपको इनकम हुई होगी, आपको वो अमाउंट एज एन इनकम क्रेडिट करना चाहिए था, आपने टैक्स बचाने की बजाय उसे अनसिक्योर्ड लोन या अदरवाइज फॉर्म में क्रेडिट कर डाला, ठीक है, तो वो एसएससी की इनकम कहलाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी एसएससी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और क्रेडिटेड सम, सपोज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या शेयर एप्लीकेशन मनी या ऐसा कोई अमाउंट है, तो उसके लिए कंपनी की ड्यूटी ये है कि वो गिवर के पास पैसा कहां से आया ये तक प्रूफ करें कि जो भी रेजिडेंट शेयर होल्डर है, जो गिवर हैं, उन्होंने जैसे आपको शेयर एप्लीकेशन मनी दिया था, उनके पास में पैसा कहां से आया, उनकी आईटीआर, उनके बैंक अकाउंट वगैरह से कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो चीजों को प्रूफ करेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और अगर वो प्रूव नहीं कर पाई तो एओ सेक्शन 68 इन्वोक कर सकेगा। देन किस ईयर की वो डीम्ड इनकम एसएससी की ट्रीट किया जा सकेगा, तो उस ईयर की जिस ईयर में उन्होंने वो क्रेडिट एंट्री की होगी, क्योंकि इनकम तो उसी ईयर में राइज हुई होगी ना, तो उसी ईयर की वो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिटेड सम एसएससी कंपनी की डीम्ड इनकम एओ ट्रीट कर सकेगा। सपोज एसएससी का कोई इन्वेस्टमेंट एओ को डिटेक्ट हो गया जो एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तक नहीं कर रखा है, मतलब ब्लैक मनी से किया होगा, इनकम कमाई होगी, छिपाई होगी, वो पैसा उन्होंने उन इन्वेस्टमेंट में लगाया होगा, राइट, तभी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे, तभी तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, एओ को पता लग गया, एओ ने कहा एक्सप्लेन इट, लेकिन एसएससी साइलेंट है या इधर उधर की बातें बना रहे हैं, एओ के सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लॉ मेकर्स ने सेक्शन 69 में एसएससी की डीम्ड इनकम एओ ट्रीट कर सकेगा। ये उनकी ओपन रखा किस ईयर की, जिस ईयर में वो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उस ईयर की। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड, सपोज एसएससी के यहाँ सर्वे हो गया मान लेते हैं और एसएससी के पास में कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स मिले, राइट, अब एसएससी से पूछा गया भाई आप इनको एक्सप्लेन करो, लेकिन उसने बुक्स में तो रिकॉर्ड किए ही नहीं और साथ में वो कोई एक्सप्लेनेशन भी उस पर नहीं दे पा रहे या इधर उधर की बातें बना रहे हैं, तो अब ऐसे केस में वो जो भी कैश, मतलब मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एसएससी के पास मिला है जो एसएससी ने ना तो बुक्स में रिकॉर्ड किया ना उसका कोई सोर्स एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो मतलब ब्लैक मनी यूटिलाइज हुआ होगा, तो वो डीम्ड इनकम एसएससी की अब जिस ईयर में वो चीजें डिटेक्ट हुई हैं उस ईयर की वो इनकम ट्रीट किए जा सकेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज कंसिडरेशन में लें, अगर एसएससी ने सपोज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड बिस्किट्स में इन्वेस्टमेंट किया और वो गोल्ड बिस्किट्स का इनवॉइस वगैरह एसएससी के पास मिल गया, तो मतलब पता लग गया कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, इस ईयर में हुआ था, तो उस ईयर में इनकम कमाई होगी, छिपाई होगी, तो उस ईयर के लिए आप उसे टैक्स कर सकोगे। लेकिन सपोज एसएससी का सर्वे हुआ मान लेते और उसमें गोल्ड बिस्किट्स मिल गए, इनवॉइस वगैरह नहीं है, ये पता ही नहीं लग पा रहा कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, तो फिर जिस ईयर में मिला उस ईयर की वो इनकम ट्रीट किया जा सकेगा। आई होप आपको इन दोनों सेक्शन का जो डिफरेंस है वो माय डियर फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। ओके, आइए आगे ले चलता हूं आपको। एक्चुअली यहां पर सेक्शन 69 और 69A में दोनों में आपने देखा कि चीजें रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन अगर कम रिकॉर्ड हुई तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, जहां पर जो चीजें हैं वो कम रिकॉर्ड हो तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए सेक्शन 69B जिंदाबाद। यस फ्रेंड्स, अगर एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया या एसएससी किसी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग का ओनर अपीयर हुआ, लेकिन उन्होंने उन चीजों को रिकॉर्ड तो किया है बट प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जितने की है उससे कम पर रिकॉर्ड किया है, अब जो डिफरेंस है उस पर एसएससी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इधर उधर की बातें बना रहा है, तो जो भी एक्सेस पोर्शन है वो जितना एसएससी ने रिकॉर्ड नहीं किया है उस हद तक एसएससी की इनकम ट्रीट किया जा सकेगा। अगर इन्वेस्टमेंट का केस है, मतलब डिटेक्शन हो गया है कि किस ईयर में हुआ था तो उस ईयर की, और अगर केवल चीजें मिली हैं, ये नहीं पता लग रहा कि इन्वेस्टमेंट कब हुआ था, तो जब मिली है उस ईयर की वो इनकम ट्रीट की जा सकेंगी, राइट। तो सेक्शन 69 और 69A का जो हाइब्रिड हम कह सकते हैं इफेक्ट पार्ड डिस्क्लोजर वाले केस में, पार्ड डिस्क्लोजर वाले केस में हमें सेक्शन 69B में देखने को मिल रहा है। देन माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सेक्शन 69C की, बहुत आसान है एग्जाम के लिए लेकिन इंपोर्टेंट भी है। कोई एक्सपेंडिचर एसएससी ने किया तो आउटफ्लो तो सेकंड स्टेज है, पहले इनफ्लो हुआ होगा। अब अगर सस्यूस एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि पैसा ये कहां से उनके पास आया या वो इधर उधर की बातें बना रहा है, तो मतलब एसएससी ने ब्लैक मनी उसमें यूज किया होगा। जिस ईयर में एसएससी ने वो एक्सपेंडिचर किया उस ईयर की वो अब उनकी डिम्ड इनकम कहलाएगा, और वो ये चाहे कि इस एक्सपेंडिचर की उन्हें डिडक्शन मिल जाए तो फिर तो इफेक्टिव निल हो जाएगा, वो नहीं होने देंगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो यहाँ आपकी डिम्ड इनकम बन रहा है वो आपको एक्ट की किसी भी हेड ऑफ इनकम में आपको एज डिडक्शन आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे, वाला वो आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने डीम्ड इनकम्स की चेन में एक सेक्शन 69D जो रखा है कि अगर एसएससी ने कोई भी अमाउंट अगर हुंडी पर अगर बोरो किया है या उन्होंने हुंडी पर बोरो किए गए सम को अब अगर रीपे किया है अकाउंट पे चेक से अलग किसी भी मोड से, तो वो जिस भी ईयर में उन्होंने वो मनी बोरो या रीपे किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सच बोरोड सम, वो एसएससी की उस ईयर की डिम्ड इनकम कहलाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर बोरोअल के टाइम पर सपोज आपने अगर कैश में अगर सपोज मनी बोरो किया राइट, और आप उसे कैश में आगे रीपे कर रहे हैं, तो अगर बोरोड सम हमने बोरोल के टाइम पर ऑलरेडी इनकम आपकी बना दिया तो अगेन वो रीपेमेंट के टाइम पर हम आपकी इनकम नहीं बनने देंगे। मतलब किस तरह का केस आएगा, फिर मन में आ सकता है कि सर बोरोल के टाइम पर तो बन ही जाएगा तो रीपेमेंट के टाइम का तो फिर रीपेड वर्ड बेकार हो गया। नहीं, सपोज बोरोल किया था एसएससी ने अकाउंट पे चेक से लेकिन बोरो किए गए सम को रीपे कर रहे हैं वो कैश में, तो अब वहां पर रीपेमेंट के टाइम पर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। अब ये 1970s के आसपास का जो कॉन्सेप्ट रहा है हुंडी का, ये रेगुलर बैच का पार्ट एंड पार्सल है फ्रेंड्स, उसमें हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज है ये चीज डिस्कस कर पाते हैं। तो ये जो सेक्शन 68 से सेक्शन 69D तक की जो चेन है, मैं 1 मिनट के लिए आपको सेक्शन 68 पर वापस ला रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजो आपने देखा था क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए कि उन्हें गिवर के पास पैसा कहां से आया ये प्रूव करना पड़ेगा। क्या अगर एक एसएससी फर्म है और उनके पास में जो फंड्स है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिटेड है, पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन फर्म ने जो अमाउंट है उसका सोर्स एक्सप्लेन कर दिया कि ये पार्टनर से एस कैपिटल में अमाउंट कंट्रीब्यूट होकर आया है, और एओ पार्टनर से इंक्वायरी करता है कि आपके पास पैसा लगाने के लिए कहां से आया है, पार्टनर उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो एओ कहता है कि मैं तो फर्म को पकड़ूंगा, मैं तो फर्म के लिए ये जो क्रेडिटेड सब है अनएक्सप्लेन्ड सब मानकर उन पर सेक्शन 68 इन्वोक करूंगा। विल इट बी करेक्ट? द आंसर इज नो। डियर फ्रेंड्स, वेंकटेश्वर राव के केस में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजो कंपनी के लिए और क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए तो बस उन्हीं के लिए वर्क करेगा, आप उसे फर्म तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। अरे फर्म के पार्ट पर कहां कोई फॉल्ट है, उन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया ना कि ये जो सम है ये पार्टनर से मिली कैपिटल है। अब पार्टनर अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप पार्टनर्स पर लगाओ ना सेक्शन 68, आप पार्टनर्स के लिए जो उनके केस है वो रीओपन करो, आप उन पर डिमांड निकालो, लेकिन फर्म पर आप सेक्शन 68 इन्वोक नहीं कर सकते राइट। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिस सेशन में भी आगे काम आएंगी। तो ये मैंने एक बात यहाँ पर अलग से आपके सामने और रखी। तो अब मैं कह सकता हूं कि हमने डीम्ड इनकम्स तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया, लेकिन आइए इन डीम्ड इनकम्स को चाहे एसएससी अपनी रिटर्न में ऑन हिज ऑन डिस्क्लोज कर दे कि भाई नोटबंदी होगी, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो 500,000 रुपए के नोट में जो ब्लैक मनी था वो बैंक में जमा कराना पड़ा, लेकिन था तो ब्लैक मनी ही। अब अगर आप रिटर्न में आगे उसे डिस्क्लोज कर दो और तो चाहो कि नॉर्मल टैक्स से काम चल जाए, नहीं चलेगा, हैवी टैक्स देना पड़ेगा। या ईओ ने सपोज एडजस्टमेंट में ऐसी इनकम एसएससी की डिटेक्ट की, तो चाहे एसएससी का वॉलंटरी डिस्क्लोजर है या ईओ का डिटेक्शन है, 60% टैक्स, 60 का 25 दैट इज 15% टोटल सरचार्ज हो गया, 60 + 15 है ना, और जो 75% बना उसका 4% दैट इज 3% सेस हो गया। फाइनल और इफेक्टिव रेट कितनी निकल कर आएगी, 78% की। और आप चाहो कि डीम्ड इनकम से आपको कोई डिडक्शन या लॉस के सेट ऑफ वगैरह मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे। ये जो भी इनकम्स हैं वो आपकी ग्रॉस बेसिस पर इफेक्टिवली 78% से टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएंगी, और ये फॉर ऑल एसएससीज एप्लीकेबल टैक्सेशन रूल्स हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल बनाए गए हैं, माय डियर फ्रेंड्स एप्लीकेबल बनाए गए हैं। तो आई होप आपको जो ये ब्लैक मनी की डेफिनेशन में आते हैं सेक्शन 68 टू 69D, उनका टैक्सेशन भी रेफरेंस हो गया होगा। बायबैक से रिलेटेड मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो हमने रेफरेंस कर ली, और मैट और एएमटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आज के इस रिवीजन सेशन में रेफरेंस कर ही लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस है उसके लिए हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में, और रिवीजन सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्कशन। इस सीरीज में मोस्ट रेलिवेंट कुछ टॉपिक्स हैं बिजनेस, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह उनमें। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक्स।